वनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है गुड इवनिंग अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में ओके okay टाइप कर दे ओके okay टाइप कर दे अगर आपको ऑडियो क्लियर है तो ओके okay टाइप कर दे। अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो ओके okay टाइप कर दें परफेक्ट 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 वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी एक मिनट एक बच्चा कह रहा है ब्लर आ रहा है आ, क्या वीडियो ब्लर आ रहा है तो एक बार फिर से अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरी आई होप अब आप सबको वीडियो भी क्लियर होगा और ऑडियो भी क्लियर होगा आई होप आप सबको ऑडियो भी क्लियर होगा और वीडियो भी क्लियर होगा अगर दोनों क्लियर है बच्चों तो एक बार चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दे अगर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो बॉक्स में ओके टाइप कर दे बॉक्स में ओके टाइप कर दे में लिख दे जय हिंद जय हिंद चैटबॉक्स में लिख दे जय हिंद और जैसा कि आप सबको पता है आज इस सेशन में लिक्विड सॉल्यूशन हमारे नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे खत्म करने वाला हूं वन शॉट में हाँ इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी बात मैं आप सबको बता दूं कि ये चैप्टर बेसिकली रिवीजन है मतलब ये जो सेशन है वो एक रिवीजन सेशन है तो आप सबने एक बार ये चैप्टर पढ़ा होना चाहिए चैप्टर पढ़ा होगा तो चीजें आप बहुत जल्दी ग्राफ कर पाएंगे और बहुत जल्दी ये चैप्टर आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा तो स्वागत है आप सबका इस सेशन में चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते।, करते हैं आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करूं अच्छा एक बात और आप सब जब ये सेशन कर रहे होंगे तो आप सब के पास एक कॉपी भी होनी चाहिए और ऑफ कोर्स पेन भी होना चाहिए जितने सवाल आएंगे वो सारे सवाल हम करेंगे और वो सवाल करते करते ही हम आगे बढ़ेंगे मतलब ऐसा नहीं कि आप आराम से बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा कॉपी पेन लेके बैठेंगे सभी सवालों को करेंगे और साथ में इस चैप्टर को आज यहीं के यहीं रिवाइज कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है लिक्विड सोल्यूशन सबसे पहला पॉइंट जब यह चैप्टर शुरू होता है तो पहले शब्द से आखिर सोल्यूशन क्या है तो सोल्यूशन क्या है प्यारे बच्चों इसे एक छोटे से स्टेटमेंट से समझते हैं सोल्यूशन इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेट दो या दो से ज्यादा का जो मिक्सचर है वही सोल्यूशन है सवाल यह है कि साहब क्या मतलब क्या है इसका हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कॉम्पोनेट को मिला दे वही सोल्यूशन होता है मगर सवाल यह है कि आखिर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है तो होमोजीनियस मिक्सचर ये कहने का मतलब क्या है वट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर जब आप कभी भी किसी मिक्सचर को होमोजीनियस कहते हैं तो होमोजीनियस कहने का मतलब है कि वो सेम फेज में है प्यारे बच्चों अब एक अगला सवाल आया कि सर सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है ठीक है और होमोजीनियस का मतलब सेम फेज है सर आखिर ये फेज क्या है आखिर सेम फेज कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं दैट इज लिक्विड सोल्यूशन इस कहानी के दो किरदार एक किरदार है सॉल्यूट और दूसरा किरदार है सॉल्वेंट यह जो सारा का सारा खेल है यही दोनों किरदार खेलने वाले हैं और इन्हीं दोनों की कहानी आप सुनने वाले हैं सॉल्यूट वो होता है जो पानी में घुल गया और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें घुल गया तो सॉल्यूट जो घुल गया सॉल्वेंट जिसमें घुल गया कोई घुल रहा है किसी में घुल रहा है उदाहरण के तौर पर अगर आप कभी चीनी लेते हैं और चीनी को पानी मिलाते हैं तो पानी में चीनी घुल गई कोई घुलता है किसी में घुलता है और जो जिसमें घुलता है उसी के रंग में रंगता है और जब वो उसमें घुल जाता है तो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि आखिर उसमें क्या मिलाया है जैसे ऐसे समझे कि आज हम अगर इस पानी में थोड़ी सी चीनी थोड़ा सा शुगर मिला दें और फिर मिलाने के बाद मैं आपसे कहूं देख के बताओ इसमें सुगर है कि नहीं आप नहीं बता सकते क्योंकि जो घुला है जिसमें घुला है उसी के रंग में रंगा है यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द सर्फेस ऑफ सुगर एंड वाटर और यही कहने का मतलब है सेम फेज तो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं दे आर बेसिकली होमोजेनियस और होमोजेनियस यानी कि सेम फेज सेम फेज यानी कि दो सरफेस में अंतर पता चलने वाला नहीं है तो दुनिया के जितने भी सॉल्यूशन है दे ऑल आर होमोजेनियस मिक्सचर अब अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो उसमें कोई घुला होगा और किसी में घुला होगा जो घुल रहा है वो सॉल्यूट है जिसमें घुला है वो सॉल्वेंट है प्यारे बच्चों सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब किसी सॉल्यूशन में होते हैं तो कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है ये हम कैसे जाने जब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना तो सॉल्यूशन में सबसे पहले बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई सॉल्यूशन उसके सामने है तो वो सॉल्यूशन देख के समझ जाए उसमें कितना सॉल्यूट है उसमें कितना सॉल्वेंट है जब तक ये फील नहीं आएगा तब तक आप सॉल्यूशन की भाषा नहीं समझोगे तब तक आप सॉल्यूशन चैप्टर को ग्रिप में नहीं लोगे तो अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट है और उसमें सॉल्वेंट है कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है ये हम कैसे जाने ये जानने के लिए प्यारे बच्चों हर सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है उसका एक कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूशन होता है जिसमें कोई सॉल्यूट तो कोई सॉल्वेंट होता है हर सॉल्यूशन का अपना कंसंट्रेशन होता है कंसंट्रेशन बताने की बहुत सारी यूनिट होती है ये कुछ ऐसा है कि जब हम वेट मेजर करते हैं तो वेट की यूनिट होती है जब लेंथ मेजर करते हैं तो लेंथ की यूनिट होती है इन द सेम वे जब कंसंट्रेशन को मेजर करना होता है तो कंसंट्रेशन की भी यूनिट होती है सर बचपन से सुनते आए हैं कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन आखिर कंसंट्रेशन है क्या किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है यह बताने का नाम ही कंसेंट्रेशन है और कंसेंट्रेशन को बताने के लिए ढेर सारी यूनिट है नॉर्मैलिटी स्ट्रेंथ परसेंटेज मोलैरिटीजी बाई वी वी परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी एंड सो ऑन बच्चों कंसेंट्रेशन यूनिट जब तक आपको फील नहीं आती है तब तक हम इस चैप्टर के डेप्थ में घुसना शुरू नहीं होते तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने के पहले हम इन कंसंट्रेशन यूनिट्स पे बातें करेंगे किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन यूनिट्स को हम कैसे जाने कैसे फील करें वो सिखाऊंगा और जानते हो अगले कुछ ही मिनटों में घंटों में नहीं अगले कुछ ही मिनटों में आप इस काबिल होंगे कि एक कंसंट्रेशन यूनिट से किसी भी दूसरी कंसंट्रेशन यूनिट को रिलेट कर पाएंगे यानी अगर सवाल आपको स्ट्रेंथ बोलेगा तो आप तुरंत उससे नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे मोलैरिटी निकाल लेंगे अगर सवाल आपको मोलैरिटी बोलेगा तो आप नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं आखिर ये कैसे तो आइए सबसे पहले बातें करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स पर बच्चों ये जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट है ये सब हमें फॉर्मुले तो याद होती है लेकिन थोड़ा थोड़ा इनका फील याद करना पड़ेगा और फील समझना पड़ेगा राइट तो आइए एक एक करके सभी कंसंट्रेशन यूनिट्स पे बातें करते हैं इतनी सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और सबसे पहली कंसंट्रेशन यूनिट जो आप सबके सामने है, प्यारे बच्चों को है मोलैरिटी अगर आपसे कहा जाए मोलैरिटी क्या है तो बच्चे मुझे तुरंत कहते हैं यानी इट इज़ द नंबर ऑफ़ 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 मोल्स वॉल्यूम लीटर लेकिन को ऐसे मत याद करो, को ऐसे सोचो अपने सामने जितनी कंसंट्रेशन यूनिट है उनमें से मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं मोलायर की नॉर्मेलिटी की स्ट्रेंथ की राइट? इन तीनों को ऐसे समझो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोलायटी की

ये सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है मोलर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है मोलर तो बच्चे को समझना अच्छा यानी कि एक लीटर में एक मोल है मोलैरिटी फॉर्मले वाइज तो ये है फील वाइज क्या है एक लीटर में कितने मोल है यही मोलैरिटी है एक सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी टू है लेट्स यहां मैंने लिख दिया टू मोलर तो बच्चे के दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए मतलब एक लीटर में दो मोल है फॉर्मूला भी याद आना चाहिए और ये फील भी याद आना चाहिए सवाल कैसे बनेंगे अभी कुछ लूंगा देखना फिलहाल आप सबके सामने ये मोलाटी का फॉर्मूला है हम सब जानते हैं बच्चों अगर कभी प्रश्न में हमें मोल नहीं दिया होगा तो सॉल्यूट का वेट दिया होगा और वेट से हम मोल निकाल सकते हैं दैट इज वेट अपॉन मोलिकुलर वेट और इस प्रकार से को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये जो मोलैरिटी है ये कंसंट्रेशन यूनिट है मतलब कंसंट्रेशन को बताने की यूनिट है जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट में अगर कभी वॉल्यूम इन्वॉल्व हो जाए क्या इन्वॉल्व हो जाए वॉल्यूम तो समझ जाइएगा प्यारे बच्चों वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये कहने का मतलब ये है अगर आज इस सॉल्यूशन की मोलिटी दो मोलर है तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफाइन है अगर आप टेम्परेचर बदलेंगे तो उसकी मोलालिटी में भी चेंज आ सकता है मोलैरिटी जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है वो टेंपरेचर डिपेंडेंट है क्योंकि टेम्परेचर के बदलने से वॉल्यूम बदलेगा और वॉल्यूम बदलेगा तो मोलिटी बदलेगा

इस चीज को समझना ये जो सवाल है 2016 का सवाल है है जहां उन्होंने हमसे पूछी है किसी प्योर लिक्विड की आप जब यह फॉर्मूला तो ये भी याद करो ये मोलाइट किसकी निकाल रहे हो ये मोलाइटी सॉल्यूशन की निकाल रहे हो आपने जब ये सारे कंसंट्रेशन यूनिट की बातें करी ये सारी कंसंट्रेशन यूनिट किसकी चल रही है सॉल्यूशन की अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट है उसमें सॉल्वेंट है कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है यही बताने का नाम कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन को बताने की ढेर सारी यूनिट है उनमें से एक यूनिट मोलैरिटी है ये ये जो आपके सामने लिखा है है सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताने का है, लेकिन जो सवाल हमारे एग्जाम में आया था वो पूछा था मोलैरिटी ऑफ अ प्योर लिक्विड क्या हम प्योर लिक्विड की भी मोलैरिटी बता सकते हैं कैसे बता सकते हैं लॉजिक क्या है आइए समझते हैं प्यारे बच्चों इसे ऐसे समझते हैं हम सबके सामने ये पानी है अभी ये प्योर पानी है मैंने इसमें कुछ मिलाया नहीं है जब कुछ नहीं मिलाया तो बताओ ये प्योर लिक्विड हुआ सॉल्वेंट हुआ अब ये सॉल्यूशन नहीं है लेकिन फिर भी यहां पे पानी के मॉलिक्यूल है बोलो या ना तो मोलिक्यूलो लीटर में पानी के कितने मोल है लीटर बताऊंगा तो वही कहलाएगा मोलैरिटी ऑफ द प्योर लिक्विड मोलैरिटी ऑफ द प्योर लिक्विड इसे ऐसे समझिए प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा अगर मैं आपके सामने कह दूं यहां लिख रहा हूं मैं कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी राइट का फॉर्मूला है एन बाईवी तो जहां

प्योर लिक्विड की जब आप मोलैरिटी निकालोगे तो आप वहां पे लिक्विड की डेंसिटी से उसकी मोलैरिटी निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले को जब मैं मॉडिफाई करूंगा तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों डी बाई एम याद रखिएगा ये वॉल्यूम किसमें होना चाहिए लीटर में अगर कभी वॉल्यूम लीटर में नहीं है एमएल में है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और थाउजेंड वाला फैक्टर हमें ऊपर लिखना पड़ेगा यानी ये जो फॉर्मुला है उसमें मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं इन टू थाउजेंड सर फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी निकालने का सर किसकी मोलैरिटी निकालने का प्योर लिक्विड का यह फॉर्मूला कब लगाओगे जब डेंसिटी उसमें होगा ग्राम पर एम में आज अगर हम इस कंसेप्ट से पानी की मोलैरिटी निकालते हैं वाटर का तो प्यारे बच्चों पानी का मोलैरिटी यानी पानी की डेंसिटी आपको बता दू कितना होता है वन ग्राम पर एम ये जो पानी आपके सामने है इसकी डेंसिटी है वन ग्राम पर एम यानी एक एम इतना ग्राम है एक ग्राम तो पानी की डेंसिटी है, है क्योंकि तो तो बच्चों इसको फील करो. ये सवाल ये कहना चाहता है कि जब पानी की हम मोलायटी निकाल रहे हैं तो भी निकाल सकते हैं सॉल्यूशन की मोलायटी निकाल रहे हैं तो भी निकाल सकते हैं तो दिमाग में कंसेप्ट याद रखना जब सॉल्यूशन की मोल निकालना तो सॉल्यूट के मोल लिखना पड़ेगा लेकिन जब प्योर लिक्विड की मोलायटी निकालोगे तो आप उस लिक्विड की डेंसिटी से मोलायटी निकाल सकते हैं अब जरा मुझे सवाल का पूरी क्लास बताएगी जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं सभी लोग मुझे जरा इसकी मोलायटी बताएंगे तो अगर आप इसकी मोलायटी निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे प्यारे बच्चों अब फॉर्मुला लगेगा मोलायटी इज्कल टू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन टू राइट आज डेंसिटी कितनी दे रखी है डेंसिटी है 1.25 क्योंकि वो ML में है इसीलिए मुझे थाउजेंड लिखना पड़ेगा और इसे डिवाइड करूंगा 62.5 से जरा सभी लोग जल्दी से मुझे टाइप करके इसका आंसर बता दें जल्दी से प्यारे बच्चों अच्छा आंसर आप सबके सामने लिखा है परफेक्ट तो आंसर कितना आ चुका है आप सबके सामने ट्वेंटी मोलर हाँ आंसर लिखा भी था कुछ बच्चों ने देख लिया क्या चलिए तो आज हमने सबसे पहला कंसंट्रेशन यूनिट क्या सीखा मोलारिटी अब जो सिखाने वाला हूं सुनिएगा अगर किसी की मोलारिटी एम है मतलब मान लो आज इस सॉल्यूशन की मोलारिटी एम है लेट्स इमेजिन इसकी मोलारिटी दो मोलर है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि इसके एक लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल हैं 2 तो अगर इसकी मोलारिटी एम है और इस सॉल्यूशन से मैं कितना भी सॉल्यूशन का हिस्सा निकाल लूं उसकी मोलायटी एम ही होने वाली है तो इसे मैं कुछ ऐसे कहता हूं अगर किसी की मोलाइटी एम है तो कतरे कतरे की मोलायटी एम है जब तक सॉल्यूशन वही है सॉल्यूशन की मात्रा बदल दोगे इसमें से 10 एम निकाल लो इसमें से 20 एम निकाल लो इसमें से 30 एम निकाल लो उसकी मोलायटी बदलने वाली नहीं है इसकी जो मोलाइटी है प्यारे बच्चों वही रहेगी जितनी है जब तक आप इसमें कुछ और नहीं मिलाओगे अगर कुछ और मिला दिया तो हां फिर इसकी मोलायरिटी बदल जाएगी राइट तो सबसे पहला मोल है, है? मोलिटी एक लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट वैलेंट है यही है नॉर्मेलिटी तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मला है प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जैसे ही ग्राम है

फिलहाल मैं फॉर्मुला रिवाइज करा रहा हूं ग्राम इक्वेट का फॉर्मुला प्यारे बच्चों अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा ग्राम इक्वेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन वेट तो जहां ग्राम इक्वेन था वहां हमने क्या लिखा वेट अपॉन इक्वेलेंट वेट और इक्वेलेंट वेट का फॉर्मुला हम सबको याद है अगर आपको याद है तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर राइट तो अपने सामने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ चुका है ग्राम इक्वेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर

अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालना है तो हमारे लिए सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया तरीका होगा नॉर्मेलिटी नॉर्मैलिटी टू मोलाइटी एक भी सवाल आप नॉर्मेलिटी करने के लिए इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे अगर कभी नॉर्मेलिटी निकालनी है तो ऑलवेज गो फॉर मोलाइटी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे एन फैक्टर का क्वेश्चन इज एन फैक्टर क्या होता है एन फैक्टर निकालने के बहुत सारे केस हैं रेडॉक्स का केस अलग है नॉन रेडॉक्स का केस अलग है लेकिन इस चैप्टर में क्योंकि आज एक भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होने वाला है तो नॉन रेडॉक्स के केस में जो कॉम्पोनेट आप मिला रहे हो या तो वो एसिड होगा या तो वो बेस होगा या तो वो सॉल्ट होगा तो किसी भी एसिड का जो फैक्टर है वो है H आयन फॉर अगर मैं HCL लिखो, तो HCL में कितने एच प्लस निकल सकते हैं वन तो इसका फैक्टर कितना होगा प्यारे बच्चों वन इसी प्रकार से अगर कोई बेस है तो उसका इनफेक्टर है रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन और अगर कोई सॉल्ट है तो उसका इनफेक्टर है टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज सर हम कर क्या रहे हैं हम निकाल रहे हैं कंसन यूनिट उसमें दो कंसंट्रेशन यूनिट हो चुकी है एक आप सबके सामने आ चुकी है और दूसरी आ चुकी है नॉर्मेलिटी और आज हम इस काबिल हैं कि नॉर्मेलिटी से मोलायटी निकाल सकते हैं और नॉर्मेलिटी और मोलायटी के बीच में रिलेशन आ चुका है नॉर्मेलिटी नॉर्मैलिटी टू मोलायटी इन एन फैक्टर हाँ हमें एन फैक्टर निकालना आना चाहिए खास करके एसिड के लिए बेस के लिए सॉल्ट के लिए राइट बच्चों इसी कंसंट्रेशन यूनिट के सीरीज में इसी कंसंट्रेशन यूनिट की सीरीज में अगली कंसंट्रेशन यूनिट आप सबके सामने है, जिसका नाम है स्ट्रेंथ दिमाग में सेट कर लो तीन कंसंट्रेशन यूनिट एम एन एस एक लीटर में कितने मोल हैं मोलैरिटी एक लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं नॉर्मैलिटी और अगली कंसंट्रेशन यूनिट है जिसका नाम है स्ट्रेंथ सबसे आसान कंसंट्रेशन यूनिट है वो कहती है एक लीटर में कितने ग्राम है यही उसका स्ट्रेंथ है लेट्स आज इस एक लीटर पानी में मैंने सॉल्यूट के बीस ग्राम मिलाए तो मैं कहूंगा इसका स्ट्रेंथ है ट्वेंटी ग्राम पर लीटर दैट्स इट ट्वेंटी ग्राम पर लीटर यानी अगर कोई बच्चा फॉर्मूला रटे फॉर्मूला रटे तो रहते हो मगर वो सवाल में अप्लाई नहीं करते बनता क्यों क्योंकि आपने उसे फील नहीं किया है तो स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरी लोकल भाषा में फील करो तो ऐसे एक लीटर में कितने सॉल्यूट के ग्राम है यही उसका स्ट्रेंथ है तो आप सबके सामने स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है हमें इसका स्ट्रेंथ पता है क्या पता है स्ट्रेंथ ठीक है अब स्ट्रेंथ पता है तो मुझे यह पता है कि इसके एक लीटर में सॉल्यूट कितने ग्राम है लेट्स इमेजिन इसका स्ट्रेंथ है 20 ग्राम पर लीटर तो मुझे यह पता है कि एक लीटर में इसके बीस ग्राम सोल्यूड के तो मौजूद है लेकिन अब मुझे बतानी है मोलैरिटी क्या बतानी है molarity. तो स्ट्रेंथ और के बीच में एक रिलेशन होता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू आज हम यहां डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे बच्चों है ना स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन होता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट आज से एक रूल बना लो जब जब आए मोलैरिटी तब तब मोलिकुलर वेट जब जब आए मोलैरिटी तब तब मोलिकुलर वेट और जब जब आए नॉर्मैलिटी तब तब इक्न वेट तब तब इक्की तो सामने कितने फॉर्म ले आ चुके हैं जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों सबसे पहले कंसंट्रेशन यूनिट दूसरी कंसंट्रेशन यूनिट नॉर्मैलिटी तीसरी कंसंट्रेशन यूनिट स्ट्रेंथ क्या हमें तीनों में रिलेशन पता है क्या नॉर्मैलिटी से मोलैरिटी निकाल लोगे तो नॉर्मैलिटी टू मोलैरिटी इन एन फैक्टर बढ़िया

तो अगर किसी कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा ही होगा चलेगा आइए इस पूरी कहानी को एक छोटे से सवाल के माध्यम से करते हैं आत्मसात सवाल आप सबके सामने है आप सब जरा इसे अटेम्प्ट करिए जब ये सवाल आता है तो बच्चे क्या करते हैं शुरू हो जाते हैं फॉर्मले लगाने मैं सवाल समझा देता हूं ठीक है 20 ग्राम एनओ इज प्रेजेंट इन 250 फिफ्टी एम

मोलैरिटी का फॉर्मला याद कराया यस yes no. आपको मैंने नॉर्मेलिटी का फॉर्मुला भी बताया और नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकालना सिखाया राइट कुछ बच्चे जो ग्राम इक्वेंट से करेंगे इस प्रकार से करेंगे और स्ट्रेंथ ऐसे करेंगे मैं ये नहीं सिखाना चाहता हूं जब ऐसे सोचोगे ना तो चीजें बहुत कठिन लगेंगी ऐसे मत सोचो ऐसे सोचो सुनो ढाई सौ में एनएच के कितने ग्राम मौजूद है बीस ग्राम मतलब सॉल्यूट कौन है एनएच राइट अच्छा हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है ना वो एक्वेस सोल्यूशन है तो आज सोल्यूशन है तो आपको ये मान के चलना है कि जो यहां पे सोल्यूशन है वो एक्वे सोल्यूशन है यानी कि जो है है कौन है पानी यानी इसको फील ढाई सौ एम एल सोल्यूशन है उसमें 20 ग्राम है ठीक सबसे पहले स्ट्रेंथ निकालो ना कैसे स्ट्रेंथ का फील क्या है स्ट्रेंथ का फील है एक लीटर में कितने ग्राम है एक लीटर में कितने ग्राम है तो बच्चे ने क्या सोचा 250 सौ में 20 ग्राम है तो सौ ml में 40 ग्राम है 500 सौ में 40 ग्राम है तो 1000 ml में कितने ग्राम हुए 80 ग्राम यानी आप एक लाइन में कह सकते हो साहब इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो होगा हो 80 ग्राम पर लीटर बोलो क्लियर हो तो हां कहना क्या फॉर्मले लगाने की आवश्यकता पड़ी है? इसे फील करो ना बच्चों यार 250 सौ में अगर 20 ग्राम है तो सोचो एक लीटर में कितने ग्राम है क्योंकि एक लीटर में जितने ग्राम है वही तो स्ट्रेंथ है तीनों यूनिट दिमाग में सेट कर लो एम एन एस एक लीटर में कितने ग्राम एक लीटर में कितने ग्राम यही है स्ट्रेंथ चलेगा अब प्यारे बच्चों अगर हमने स्ट्रेंथ निकाल लिया तो क्या आप अगले हिस्से में मोलायरिटी निकाल लोगे अगले हिस्से में निकाल लोगे मोलायटी कैसे निकालोगे अब मोलायटी और स्ट्रेंथ में हमें पता होना चाहिए रिलेशन

तो एक लीटर में कितने मोल है नहीं निकाल सकते अस्सी ग्राम को मोलिकुलर वेट से डिवाइड करिए ना जब अस्सी ग्राम को मोलिकुलर वेट से डिवाइड किया तो कितना आया दो मोल है, तो है, है, है तो लीटर में मोल है 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 यानी उसकी सहमत तो हां कहिए प्यारे बच्चों इसी प्रकार से उसने हमसे पूछा नॉर्मेलिटी क्या हम सबने सबलाइटी निकाल लिया जब मोलायटी निकाल लिया तो बताओ नॉर्मेलिटी निकालना आसान है कि नहीं नॉर्मेलिटी इज टू मोलायटी इन टू एन फैक्टर इसका एन फैक्टर कितना है एनओ का कितने OH निकल सकते हैं वन तो इसका इन फैक्टर कितना है वन यानी मैं कहूंगा इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी प्यारे बच्चों टू इंटू वन दैट इज नथिंग बट ना कहा इन फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी है? अगर आप इस सवाल को समझ पाए हैं मेरे इस तरीके को समझ पाए हैं यूनिट को फील करना समझ पाए हैं तो प्यारे बच्चों हाँ कहिए एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए तीन कंसंट्रेशन यूनिट एक बार बोलेंगे जो बच्चे जहां बैठे हैं मोलैरिटी नॉर्मैलिटी स्ट्रेंथ एक लीटर में कितने मोल बोलो वो क्या है एक लीटर में कितने मोल बोलो वो क्या है मोलैरिटी एक लीटर में कितने ग्राम इक्विलेंट. वो क्या है इक्विलिटी एक लीटर में कितने ग्राम बोलो वो क्या है स्ट्रेंथ सेट यही इन तीनों यूनिट का फील है और अगर आप समझ पाए हैं तो प्यारे बच्चों अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे आने वाला है उसके पहले एक और यूनिट देख लेते हैं मोलैरिटी अभी तक हमने जितनी यूनिट देखी वो एक रिलेशन में थी वो सबके सब पर लीटर सोल्यूशन में डिफाइन थी लेकिन जो मोलैरिटी है बनाने वालों ने इसे ऐसे नहीं बनाया अब यहां पर सवाल बच्चा मुझसे कहता है कि सर ये कंसंट्रेशन यूनिट है क्या? मैंने बताने का तरीका तो उसने कहा सर मोलैरिटी मोल पर लीटर ही क्यों है इस चीज को समझिएगा हम ये नहीं पढ़ रहे मोलैरिटी मोल पर लीटर क्या है क्यों है हम ये पढ़ रहे हैं कि जो भी चीज मोल पर लीटर है वही मोलैरिटी है इन द सेम वे ये मत सोचना कि मोलैलिटी यही क्यों है ये सोचो अच्छा जब ऐसे डिफाइन करे वही मोलैलिटी है ये वही वाली बात है कि, कि किलोग्राम क्यों किलोग्राम है क्योंकि क्योंकि बनाने बनाने वालों ने बनाने वालों ने ने ऐसे ऐसे बनाया बनाया है 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 मीटर मीटर क्यों तो ये सोचने की कोशिश करो मोलैलिटी क्या है अच्छा ऐसे है तो ही मोलैलिटी है इस थॉट को बदलिए मोलैलिटी एक ऐसी कंसेंट्रेशन यूनिट है जो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया और इसे हम क्या कहते हैं इट इज द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 के जी ऑफ सॉल्वेंट, इट इज द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ सॉल्वेंट, यानी अभी तक हमेशा हमने क्या बोला सॉल्यूशन, लेकिन इस कंसंट्रेशन यूनिट में किस में डिफाइन है सॉल्वेंट में इसी ऐसे समझो प्यारे बच्चों अभी तक हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखते थे एक लीटर है कि नहीं है अब हम ये सोचेंगे एक के जी में सॉल्यूट के कितने मोल हैं यही इसकी मोलैलिटी है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हम सबके सामने आ चुका है नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी एक बार प्यारे बच्चों जहां बैठे हैं वहां बैठे बैठे बोलेंगे मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं कहूं बी बी का मतलब होगा सॉल्यूट और जब भी मैं कहूं ए ए का मतलब होगा सॉल्वेंट तो आज मोलैलिटी का फॉर्मुला है नंबर ऑफ 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 मोल्स सॉल्यूट अपॉन वेट सॉल्वेंट इन एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं बताओ प्यारे बच्चों ये जो मोलैलिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करेंगे बताओ ये जो मोलैलिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है अगर वॉल्यूम नहीं है अगर वॉल्यूम नहीं है तो बताइए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुआ जी हां साहब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुआ एक सवाल दूसरा सवाल आप सबसे पूछता हूं जो हमारे एनसीईआरटी का सवाल है फटाफट रिप्लाई करते रहना मेरे पास एक सॉल्यूशन है राइट हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी में हैं मुझे इसका मोलैरिटी भी लिखना आता है मुझे इसका मोलैरिटी भी लिखना आता है राइट आप लेबोरेटरी में है इमेजिन करिए आप इसका कैपिटल एम भी लिख सकते हैं आप इसका स्मॉल एम भी लिख सकते हैं बताओ आप क्या लिखना पसंद करेंगे आप क्या लिखने में प्रायोरिटी करेंगे मोलैरिटी मोलिटी इसे ऐसे समझो अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो कोई दवाई बनाती है तो दवाई में जो कंसंट्रेशन यूनिट लिखे वो कैपिटल एम में लिखना प्रीफर करें कि स्मॉल एम में कैपिटल एम प्रीफर करें कि स्मॉल एम प्रीफर करें बोलो बच्चों

सोल्यूट पीना पड़े मतलब इसका जो डोज था वो था वन मोल पर डे और आपने जो सोल्यूशन बनाया है इंडिया में उसकी कंसंट्रेशन है वन मोलर यानी एक लीटर में एक मोल मतलब यहां के बच्चे इसका एक लीटर पी ले उनका डोज पूरा हो गया लेकिन अब यही सोल्यूशन लेके आप चले गए साइबेरिया अब साइबेरिया में ठंड बहुत पड़ती है जब साइबेरिया में ठंड बहुत पड़ी तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो तो बदल गया ना भाई क्योंकि जो वॉल्यूम यहां था वो वॉल्यूम वहां नहीं है हां अंदर मसाला एक मोल था तो अंदर मसाला वहां भी एक मोल है मगर अब मोल पर लीटर नहीं है एक मोल पर लीटर नहीं है मीन टू से वो जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर के बदलने से बदल गया लेकिन अगर यही मोलैरिटी लिखा होता तो जितना इंडिया में था उतना किसी और देश में होता सो द कंक्लूजन इज वेन एवर वी हैव चॉइस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम हमेशा हम किसे प्रिफर करेंगे स्मॉल एम लेकिन हमारे इस पूरे सिलेबस में प्यारे बच्चों आधी से ज्यादा बातें हम हमेशा करते हैं मोलायरिटी में तो मैं अक्सर यह भी कहता हूं जब भी हमारे सिलेबस में कभी कंसंट्रेशन बोला जाए जाने अनजाने में उसका मतलब मोलैरिटी ही माना जाए यूं तो कंसंट्रेशन के मायने बहुत हैं, कभी मोलैरिटी है कभी नॉर्मेलिटी है कभी स्ट्रेंथ है कभी मोलैरिटी है, है लेकिन कंसंट्रेशन का मतलब क्या मानोगे मोलैरिटी वही हमारा सिलेबस है बच्चों अगर आप मोलिटी को फील कर पाए हैं तो अब है अगला पॉइंट हम जितनी कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ चुके हैं तो अब समय है स्मॉल एम और कैपिटल एम में रिलेशन निकालने का यह फॉर्मूला कुछ बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाता है कुछ को याद नहीं होता जिनको नहीं याद होता उनको मैं जैसे कह रहा हूं वैसे एक बार आप रिपीट करना याद हो जाएगा ऐसे बोलिएगा स्मॉल एम इक्वल टू थाउजेंड एम अपन थाउजेंड डी माइनस एम एम बी बोलेंगे तीन बार बोलोग याद हो जाएगा स्मॉल स्मॉल डी मतलब डेंसिटी मतलब मतलब इस डेंसिटी की शर्त है इससे ग्राम पर एम एल में होना पड़ेगा और यह है मोलैरिटी और यह है मॉलिकुलर वेट यह है मोलैरिटी और यह है मोलिकुलर वेट बोलेंगे बच्चों स्मॉल एम इक्वल टू थाउजेंड एम अपॉन थाउजेंड डी माइनस एम एम बी थाउजेंड एम अपॉन थाउजेंड डी दो तीन बार रिपीट करो आपको इसी इसी लय में ये फॉर्मूला याद हो जाएगा जरा देखिएगा बच्चों आज हम इस काबिल हैं कि स्मॉल m और कैपिटल m में भी रिलेशन निकाल सके हैं और अब हम सवाल को चुटकी में कर सकते हैं तो आइए कुछ ही देर में एक सवाल करते हैं उसके पहले एक बड़ा प्यारा सवाल है सब लोग बोर्ड पे आना जरा इमेजिन करो प्यारे बच्चों इमेजिन करो हमारे सामने दो सोल्यूशन और मैं आपके सामने पहले यहां दिखा रहा हूं ठीक सब लोग जुड़े हो ना भाई अरे जुड़े हैं ना ऑनलाइन वालों ऑनलाइन वालों जरा सुनिएगा हमारे सामने कितने सोल्यूशन है दो राइट प्लीज मुझे आपका फील चाहिए इमेजिन करते हैं ये जो सोल्यूशन है प्यारे बच्चों ये सबको दिख रहा है ये. इसमें पानी ज्यादा भरा है इसमें पानी कम भरा है राइट सुनिएगा पहला सवाल इसकी मोलैरिटी है वन मोलर ज्यादा भरा वाले की इसकी मोलैरिटी है वन मोलर ये वाला सोल्यूशन ठीक है इसकी मोलैरिटी कितनी है वन मोलर और इसकी है, तो है मोलर आया? आया अच्छा, मतलब जो भी सॉल्यूट मिलाया है एक लीटर में एक मोल है. ए, मैंने नहीं कहा एक मोल है मैं कह रहा हूं एक लीटर में एक मोल है अगर दो लीटर है तो दो मोल है, तीन लीटर है तो तीन मोल है मगर एक लीटर में तो एक मोल है वन मोल पर लीटर है डन इसकी मोलैरिटी है one. इसकी मोलैलिटी है वन इसका कैपिटल एम है वन इसका स्मॉल एम है वन और सवाल हमसे पूछ रहा है बताओ प्यारे बच्चों इन दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड इन दोनों सॉल्यूशन में बताइए विच सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड पहले सवाल को फील करिएगा ये कुछ ऐसा है एक छोटा सा बच्चा है ठीक उसे अभी बस गिनती आती है उसे यूनिट यूनिट नहीं आता तो उस बच्चे से पूछा गया बताओ बेटा वन मीटर और वन किलोमीटर में कौन बड़ा है जिस बच्चे को केवल गिनती आती थी एक से लेकर सौ तक जिसने कभी मीटर किलोमीटर सुना ही नहीं जब आप उससे कहोगे बताओ वन मीटर वन किलोमीटर में कौन बड़ा है तो वो कहेगा साहब यहां भी वन लिखा है यहां भी वन लिखा है तो दोनों बराबर है लेकिन सच बताओ दोनों बराबर है कि नहीं है नहीं है क्योंकि आपको सत्य का ज्ञान है कि खेल वन का नहीं खेल मीटर किलोमीटर का है खेल वही है मेरे बच्चे बस आज मीटर किलोमीटर की बात नहीं चल रही आज कैपिटल एम स्मॉल की बात चल रही है और एक सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी एम है बताओ दोनों में कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है यह तब तो बता पाओगे ना जब दोनों को सेम यूनिट में लाओगे एक मीटर एक किलोमीटर में कौन बड़ा है ये तब बता पाओगे जब मीटर को या तो किलोमीटर बना पाओगे या किलोमीटर को मीटर बना पाओगे तो आज मेरे पास दो ऑप्शन है जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी वन है मैं इसकी मोलैरिटी पता कर लूं अथवा जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी वन है मैं इसकी मोलैरिटी पता कर लूं जब दोनों सेम यूनिट में आएंगे तभी तो कंपैरिजन कर पाऊंगा कि कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है और कैपिटल एम पता हो तो स्मॉल एम निकालना हमें आता है कैपिटल एम पता हो तो स्मॉल एम हमें निकालना आता है अभी आप सबको फॉर्मुला पढ़ाया था स्मॉल एम बराबर थाउजेंड डी सॉल्यूशन की मैं मोलैलिटी निकाल सकता हूं जब मैं इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालता हूं आप सबके सामने सॉल्व है जरा देखिएगा तो इस सॉल्यूशन की जिसकी मोलैलिटी वन है जब हम मोलैलिटी निकालते हैं तो थाउजेंड इंटू वन अपॉन थाउजेंड इंटू वन

दस क्लियर इज दस क्लियर वन मोलर और वन मोलल में कौन ज्यादा है? है। क्योंकि से ज़्यादा आप उसकी कैसे जाने अरे सॉल्व करके निकाला आप सबके सामने सॉल्व करके इसकी मोलैलिटी निकाला फॉर्मुले से वो कितना आया वन पॉइंट वन जीरो बच्चों ये क्लियर हो तो हां कहिए ये क्लियर हो तो हां कहिए तो अब हमारे सामने चार कंसंट्रेशन यूनिट आ चुकी है एम एन एस और एक है स्मॉल एम शुरू की तीनों यूनिट पर लीटर सॉल्यूशन में डिफाइन थी लेकिन यह वाली यूनिट पर केजी सॉल्वेंट में डिफाइन है याद रखिएगा चलेगा चलेगा बढ़िया शानदार क्या क्या बात है ऑनलाइन वालों सो गए क्या नीट एस्पिरेंट्स आर्यन राज मुस्कान सिंह सबको क्लियर है क्या यहां तक चलिए आइए प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट कंसेप्ट में अभी तक हमने कितने कंसंट्रेशन यूनिट कर लिए मोलैरिटी नॉर्मैलिटी स्ट्रेंथ मोलैरिटी आइए चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज परसेंटेज यानी कि पर हंड्रेड परसेंटेज यानी कि पर हंड्रेड राइट परसेंटेज में हमारे सिलेबस में तीन कंसंट्रेशन यूनिट है एक है परसेंट डब्ल्यू बाई परसेंट वी बाई परसेंट डब्ल्यू बाई बच्चों इसका फॉर्मुला याद करना बहुत आसान है फॉर्मुला याद करने में कहीं कोई जोर नहीं कैसे अभी आपको तुरंत याद कराता हूं ऊपर जो है यह है सॉल्यूट नीचे जो है यह है सॉल्यूशन पहले फॉर्मूला याद करा रहा हूं फिर फील ठीक है ऊपर जो है यह है सॉल्यूट नीचे जो है यह है सॉल्यूशन ऊपर जो है यह है सॉल्यूट और नीचे जो है यह है सॉल्यूशन डन

सॉल्यूशन है नहीं ऐसा नहीं है हमारा जो है 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 वो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन कौन है? मतलब अक्सर जो सॉल्वेंट है कौन होने वाला है पानी राइट और एक्वेस सॉल्यूशन में भी प्यारे बच्चों हमारा जो सॉल्यूट है जनरली जनरली में वर्ड बोल रहा हूं वो हमेशा सॉलिड होने वाला है यानी कि आप इसे ऐसे समझिए जब भी मैं सॉल्यूशन बोलता हूं राइट right? तो सॉल्यूशन का एक इंटरप्रिटेशन होगा कि भैया उसमें पानी भी है साथ में सॉल्यूट भी है मगर जो सॉल्यूट है है वो सॉलिड वाला है। तो अगर कभी आज से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए कभी सवाल आपको बोलता है द सॉल्यूशन इज ट्वेंटी परसेंट कंसेंट्रेशन क्या बोलता है ट्वेंटी परसेंट कंसेंट्रेशन देखो सवाल बोलने का एक तरीका क्या आपको वो बोल के बताए परसेंट्ल्यू बाई डब्ल्यू है किसन डब्ल्यू बाई वी है कि क्या है लेकिन अगर कुछ नहीं बोले केवल परसेंट बोले तो हम हमारे सिलेबस में जनरली उसे प्यारे बच्चों परसेंट ही लेके चलते हैं इज दिस क्लियर अगर केवल परसेंट बोलेगा तो क्या मानेंगे परसेंट डब्ल्यू बाई वी क्या सबको फॉर्मला याद हो गया अब चलते हैं फील पे राइट अब चलते हैं फील पे चले क्या तो प्यारे बच्चों एक एक करके समझते हैं सबसे पहले आपके सामने लिखा है ड़बलु ड़बलु, जिसका तो आपको सौ से गुणा करना पड़ेगा इसीलिए आपने हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया ठीक है साफ समझ में आता है सर इसका फील क्या है बच्चों सुनिएगा एक लीटर में सोल्यूट के कितने ग्राम है यह स्ट्रेंथ लीटर में सॉल्यूट के कितने ग्राम है ये स्ट्रेंथ है 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरे शब्दों को सुनिएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में सर 100 ग्राम क्यों बोला आपने क्योंकि सॉल्यूशन भी ग्राम में है सॉल्यूट भी ग्राम में 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम है यही उसका परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है जब भी परसेंट आए तो सौ सोचो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ एक लीटर सॉल्यूशन सोचो मोलैरिटी आए तो एक के सॉल्वेंट सोचो और जब भी परसेंट आए तो हमेशा सौ सोचो अब सौ क्या सोचो कभी सौ ग्राम सोल्यूशन सोचोगे तो कभी सौ एम एल सोलूशन सोचोगे तो कभी किसी और यूनिट में लेकिन हमेशा हम परसेंट में क्या लेके चलेंगे फील कराता हूं बच्चों आओ सवाल करते समय एक चीज का ध्यान रखना है अगर नीचे ग्राम है तो ऊपर भी ग्राम है मतलब अगर सॉल्यूशन ग्राम में है तो सॉल्यूट भी किस में होगा ग्राम में अगर नीचे मिलीग्राम में है तो ऊपर भी किस में होगा मिलीग्राम में दोनों की यूनिट हमें सेम रखनी पड़ेगी चलेगा एक बात दूसरी बात प्यारे बच्चों आप देखिए और मुझे बताइए ये जो कंसंट्रेशन यूनिट है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है तो आप देख के बता सकते हैं सर इसमें कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं है यानी ये कैसा होने वाला है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट सर इसका फील क्या है तो इसका फील अगर मैं आपके सामने लिखूं तो क्या लिखूंगा सो ग्राम सोल्यूशन में सो ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम है सोल्यूट के कितने ग्राम है यही परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है यही परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम है यही परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है Is this clear? अगर आप समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगली कंसेंटेशन यूनिट में वी बाई वी आप मुझे बता दो प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए सर फॉर्मुला तो हमें याद है नंबर वन फॉर्मुला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टू हंड्रेड फील बताओ सर इसका फील होगा अच्छा एक मिनट अगर सॉल्यूशन होगा एमएल में तो सॉल्यूट भी होगा ml में अगर सॉल्यूशन होगा लीटर में तो सॉल्यूट भी होगा लीटर में डन तो इसका फील क्या है सर इसका फील अब होना चाहिए क्योंकि आपने दोनों वी बोला है तो अब हम बोलेंगे 100 ml सॉल्यूशन में समझ पाए क्या बच्चों 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ml है सॉल्यूट के कितने ml है यही परसेंट v/v है यही परसेंट v/v है इसे ऐसे समझिए प्यारे बच्चों लेट्स में सोल्यूट के एक हजार एम एल सोल्यूशन में सोल्यूट के दो सौ एम एल है एक हजार एम एल में सोल्यूट के दो सौ एम एल है तो बताओ परसेंट वी बाई वी कितना है तो बच्चे को बस ये सोचना है कि सर ने एक हजार एमएल में दो सौ एम एल बोले तो सोचो सो एम एल में कितने सो एम एल में जितने एम एल है वही परसेंट डब्ल्यू बाई वी है वही परसेंट वी बाई वी है सॉरी वहीसेंट वी बाई वी है

वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चों इसे ऐसे समझो जब परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बोला तो 100 ग्राम सॉल्यूशन परसेंट वी बाई वी बोला तो 100 एम एल सोल्यूशन परसेंट डब्ल्यू बाई वी है तो सॉल्यूशन तो 100 एम है मगर सॉल्यूट कितने ग्राम है तो इसका फील क्या होगा इस कंसंट्रेशन यूनिट का फील क्या होगा तो नीचे क्या लिखा है वॉल्यूम तो नीचे किसको रिप्रेजेंट करेंगे सोल्यूशन को ऊपर कौन होगा सोल्यूट तो मैं कैसे कहूंगा 100 एमएल सोल्यूशन में 100 एम एल सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम है सोल्यूट के कितने ग्राम है यही परसेंट डब्ल्यू बाई वी है यही परसेंट डब्ल्यू बाई वी है बच्चों बहुत आसान है इन यूनिट को एक बार फील करो मजा आता है कंसंट्रेशन यूनिट्स में राइट right. तो मुझे एक बात बताइए अगर परसेंटेज बोले तो आप सबके मन में क्या आएगा साहब हम तो सोचेंगे सौ सौ क्या सर कभी ग्राम सोचेंगे कभी एमएल सोचेंगे वो डिपेंड करता है सवाल क्या कह रहे हैं एक सवाल मैं आप सबसे ओरली पूछना चाहता हूं पूछ क्या थोड़ा फील चाहिए मुझे आप सबका ठीक है फील 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 जिंदाबाद आइए जरा इमेजिन करते हैं ये एक सोल्यूशन है ठीक है साहब और इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है लेट्स इमेजिन मैंने कहा इसका कंसेंट्रेशन है ट्वेंटी क्या बोला ट्वेंटी मैंने परसेंट परसेंट डबल बोला कितना है प्यारे बच्चों जवाब देते रहना यार है ना मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं लेकिन आप मुझे देख पा रहे तो प्लीज जवाब देते रहिएगा इसका कंसंट्रेशन कितना बोला मैंने ट्वेंटी परसेंट यानी कि अगर इसका हम 100 ml लेंगे सुनना अगर इसका हम 100 ml लेंगे तो बताओ सॉल्यूट के कितने ग्राम है 100 ml में सॉल्यूट के कितने ग्राम है 100 ml में सॉल्यूट के कितने ग्राम है जल्दी से जवाब दीजिए 100 ml में सॉल्यूट के कितने ग्राम है सर आपने इसका कंसंट्रेशन 20% परसेंट बोला यह कहने का मतलब है कि सौ एम में नीचे लिख रहा हूं बच्चों यह कहने का मतलब है सौ एम ml में बीस ग्राम सॉल्यूट है डन बच्चों एक सवाल क्या अगर सौ एम में बीस ग्राम है तो जरा मुझे जल्दी से बता दो हजार एम में कितने सौ एम ml में बीस ग्राम है तो हजार एम में कितने हैं सर 100 एम एल में बीस ग्राम है यानी हजार एम में 200 ग्राम है और मेरे कंसेप्ट कहते हैं कि हजार एम यानी कि वन लीटर और वन लीटर में जितने ग्राम है वही तो स्ट्रेंथ है वन लीटर में जितने ग्राम है वही तो स्ट्रेंथ है वन लीटर में जितने ग्राम है वही तो स्ट्रेंथ है यानी मैं कह सकता हूं सर आप जब भी हमें परसेंट डब्ल्यू बाई वी बोलोगे उसे मैं टेन से मल्टीप्लाई करूंगा वही बन जाएगा स्ट्रेंथ वही बन जाएगा स्ट्रेंथ हेलो क्या स्ट्रेंथ और परसेंट डब्ल्यू बाई वी में रिलेशन आ गया फील चाहिए फटाफट मान लो इस सोल्यूशन का परसेंट डब्ल्यू बाई वी है दस बोलो स्ट्रेंथ कितना सौ मान लो सोल्यूशन का स्ट्रेंथ है बीस

आप सबको स्ट्रेंथ का फॉर्मला याद रखना है स्ट्रेंथ बराबर MMB, और जहां स्ट्रेंथ है वहां मैं लिख सकता हूं परसेंट डब्ल्यू वी बाईन और यह सामने है जैसा मैं कुछ देर पहले कह रहा था जब जब आएगा molality, तब तब मोलिकुलर वेट जब जब आएगा नॉर्मेलिटी तब तब इक्ट वेट जब जब आएगा मोलिटी तब तब मोलिकुलर वेट जब जब आएगा नॉर्मेलिटी तब तब इक् वेट ये सारे फॉर्मुले आपको याद हो गए हों तो जरा हाँ कहिएगा मोलैरिटी और परसेंट डब्ल्यू बाई वी में भी रिलेशन आ गया नॉर्मेलिटी और परसेंट डब्ल्यू बाई वी में भी रिलेशन आ गया बच्चों मैं डेरिवेशन आज यहां नहीं बता सकता हूं क्योंकि वन शॉट है चीजों को हमें फटाफट रिवाइज करना है जिसे मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में पढ़ाया है अगला relation, अगला रिलेशन रिलेशन आप सबके सामने है अगर कभी सवाल हमें परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू बोले और मोलैरिटी पूछे तो क्या करना है इसे आप ऐसे समझिए कुछ देर पहले आपने एक रिलेशन याद किया

यानी जब मोलैरिटी है तो साथ में तो वॉल्यूम आएगा अगर उन्होंने परसेंट डब्ल्यू बाई वी दे दिया तो फिर हमें डेंसिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हम सिंपली फॉर्मूला लिख लेंगे परसेंट डब्ल्यू बाई वी इन टेन अपॉन मॉलिकुलर वेट लेकिन अगर उन्होंने परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया और हमें वॉल्यूम नहीं पता क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए मोलारिटी के लिए तो हमें डेंसिटी लिखना पड़ेगा डेंसिटी इंटू टेन अपॉन मॉलिकुलर वेट अगर आप ये समझ पाए हो तो जरा हाँ कहिए ये फॉर्मले आपके कॉपी में लिख गए हो तो जरा हाँ कहिए चेक करना चाहता हूं कितने बच्चों कॉपी में फॉर्मले आ चुके हैं जल्दी से चैटबॉक्स पर टाइप करेंगे जितने फॉर्मले हैं अभी मैं करने वाला हूं प्यारे बच्चों जरा सब है, करने वाला हूं। बस एक आखरी आप सबको याद है मोल फ्रैक्शन कभी भी फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका पूछा वो अपॉन टोटल आज हम किसका फ्रैक्शन निकाल रहे मोल का तो जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल फ्रैक्शन यानी हिस्सा हिस्सा निकालने का एक ही तरीका था

तो इसमें एक ट ए है एक कॉम्पोनेट बी है मान लेते हैं ए के मोल एन बी के मोल है तो अगर आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी का मोल फ्रैक्शन यानी के मोल अपॉन टोटल मोल और अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना मतलब मोल अपॉन टोटल मोल बच्चों फ्रैक्शन एक मैथमेटिकल नंबर है इसकी कोई यूनिट नहीं है फ्रैक्शन हिस्सा कोई यूनिट नहीं है मतलब वो यूनिटलेस है और जब भी आप इन सभी हिस्से को जोड़ते हैं तो हमेशा कितना आता है वन मोल फ्रैक्शन यानी एक्स एक्स प्लस बी बराबर कितना होगा One. चलेगा चलेगा द बेस्ट पार्ट जो इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है एक ऐसा कंसेप्ट की नब्ज है प्यारे बच्चों आप सबके सामने लिखने वाला हूं जरा सुनिएगा अच्छा एक मिनट मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा क्या कहते हैं सर वॉल्यूम नहीं है मतलब ये इंडिपेंडेंट है अगर वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है जब भी हम प्यारे बच्चों मोल फ्रैक्शन के सवाल करेंगे तो याद रखना फ्रैक्शन यानी कि हिस्सा उसे हंड्रेड से मल्टीप्लाई करिए वो क्या बन जाएगा परसेंट लेट्स इमेजिन मैं आपसे एक सवाल कहता हूं इमेजिन करो ये एक सॉल्यूशन है और इसमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है जीरो पॉइंट फाइव तो आपसे पूछे व्हाट इज द मोल परसेंटेज तो घबराना नहीं है कुछ नया सवाल नहीं पूछा है मोल परसेंटेज पूछा है यानी आपको करना है जीरो पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड जब भी आपसे वो परसेंटेज पूछे तो फ्रैक्शन को सौ से गुणा करें बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जरा सुनिएगा जो भी मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है उसे ही मोल का रेशियो भी माना जा सकता है अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में एक्सबीन एक्सए करूं यानी मोल फ्रैक्शन के रेशियो को निकालूं, तो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है उसे ही मोल का रेशियो माना जा सकता है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने के लिए सबसे 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 जरूरी कंसेप्ट आप सबके सामने हां याद रखना इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर माना जाएगा पूरी क्लास जरा सुनिएगा मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर माना जाएगा और जो मोल का रेशियो है जो मोल का रेशियो है वही मोल माना जाएगा जो मोल का रेशियो है वही मोल माना जाएगा अगर मैं एग्जाम्पल से कहूं तो कुछ ऐसे कहूंगा

मोल फ्रैक्शन का रेशियो मान लेना मोल फ्रैक्शन का रेशियो मान लेना ये तो सही है मगर मोल फ्रैक्शन के रेशियो को मोल फ्रैक्शन मत मान लेना मैं फिर से कहता हूं मोल फ्रैक्शन के रेशियो को मोल का रेशियो मान लेना सही है हाथ देखना पहले ऐसे जा रहा हूं मोल फ्रैक्शन के रेशियो को मोल का रेशियो मान लेना सही है और मोल के रेशियो को ही मोल मान लेना सही है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए लेकिन मोल के रेशियो को मोल फ्रैक्शन का रेशियो मानना सही है मगर मोल फ्रैक्शन के रेशियो को मोल फ्रैक्शन मत मानना अगर मोल का रेशियो हाँ आया, तो इसका मतलब क्योंकि मतलब तो मोल फ्रैक्शन कभी वन से बड़ा नहीं हो सकता मोल फ्रैक्शन कभी वन से बड़ा नहीं हो सकता मोल फ्रैक्शन कभी वन से बड़ा नहीं हो सकता समझ पाए हो तो हां कहिएगा बच्चों क्लियर इज दिस क्लियर बच्चों आज जितनी कंसंट्रेशन यूनिट है उसमें अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलैलिटी में रिलेशन निकालना है तो आप सब के सामने एक रिलेशन लिख रहा हूं इसी रिलेशन को आप सब अपनी कॉपी में लिखिएगा एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू एम एम ए अपॉन 1000 सर ये क्या है रिलेशन सर किसके बीच में मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू एम एम ए अपॉन 1000 एक्स बी अपॉन एक्स ए थाउजेंड क्या सबने कॉपी में लिख लिया टू एम एम ए अपॉन थाउजेंड एक्स बी बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स से बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट स्मॉल स्मोल बोले तो मोलैलिटी और एम ए बोले तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज क्लियर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट चलेगा बच्चों आइए इस पूरी कहानी को कंक्लूड करते हैं आपको मजा आने वाला है पिछले आधे घंटे पिछले एक घंटे से जो भी आप सुन रहे हैं उसको निचोड़ते जरा सुनिएगा सबसे पहले कंसंट्रेशन यूनिट क्या थी क्या थी मोलैरिटी दूसरी यूनिट क्या नॉर्मेलिटी पूरी क्लास पूरी क्लास मुझे तुरंत चाहिए यहां पर जरा सुनिएगा मोलैरिटी क्या था एक लीटर में कितने मोल नॉर्मैलिटी क्या था एक लीटर में कितने ग्राम स्ट्रेंथ क्या था एक लीटर में कितने ग्राम सॉल्यूट के अगली कंसंट्रेशन यूनिट आई मोलारिटी ये क्या था मोलारिटी है 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में यहां था सॉल्यूशन यहां है सॉल्यूशन यहां है सॉल्यूशन यहां है 1 केजी सॉल्वेंट उसके बाद आया हम सबके सामने परसेंट w/w फिर आया परसेंट v/v वी वी। फिर आया परसेंट w/v और लास्ट में प्यारे बच्चों आया मोल फ्रैक्शन जब भी बोले परसेंट हमेशा क्या सोचोगे 100

दूसरा कंसेप्ट क्या स्ट्रेंथ और मोलैरिटी रिलेशन आता है आता है S बराबर, MMB, S बराबर MMB, ऐसे याद वेट। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जब भी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी निकालना हो हमेशा यही रिलेशन यूज करेंगे चलेगा बच्चों चलिए क्या हमने स्मॉल एम और कैपिटल एम में रिलेशन निकाल लिया क्या हमने स्मॉल एम और कैपिटल एम में रिलेशन निकाल लिया सभी बच्चे बोलेंगे बोलेंगे स्मॉल एम टू थाउजेंड एम अपॉन थाउजेंड डी माइनस एम एम बी डन चलिए क्या परसेंट डब्ल्यू वी और स्ट्रेंथ में रिलेशन निकाल लिया निकाल लिया साहब क्या रिलेशन था परसेंट डब्ल्यू बाई वी इंटू टेन बराबर स्ट्रेंथ इज क्लियर क्या हमने प्यारे बच्चों परसेंट डब्ल्यू बाई वी और मोलाइटी में रिलेशन निकाल लिया आइए जरा तो इज इक्वल टू परसेंट जब है तो density आने वाला नहीं है लेकिन अगर यहीं पे प्यारे बच्चों आपके सामने होता %W by w, तो आपको density भी लिखना पड़ता और नीचे molecular weight से करना पड़ता क्लियर हमने सभी यूनिट में रिलेशन निकाले क्या लास्ट में मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में भी रिलेशन निकाल लिया मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में भी रिलेशन निकाल लिया बोलेंगे बच्चों एक्स बी अपॉन एक्स से उज ये जो आपके सामने स्लाइड है मैं कहूंगा ये इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के फॉर्मूले लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड में से एक है और इस पूरी कहानी में आपको याद रखना है अगर कभी केवल परसेंट बोले तो परसेंट हम केवल हमेशा पहले डब्ल्यू बाई ही मानेंगे इसे एक बार लिख लें क्या यहां तक सबको सारे फॉर्मूले सारी कहानी क्लियर है जी हाँ बच्चों ये वन शॉट है ये वन शॉट है ये रिवीजन है खटाखट फॉर्मूला खटाखट आंसर खटाखट फॉर्मूला खटाखट आंसर चलिए अगर आप इस कहानी को सीख पाए हैं तो कुछ एक सवाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं मैं आपसे पीवाईक्यूज़ के सवाल डिस्कस करूंगा यहां पे उसके पहले एक छोटी सी बात इस पूरे चैप्टर को पढ़ते समय कंसंट्रेशन यूनिट को पढ़ते समय याद रखिएगा अगर किसी सॉल्यूशन की एम है

कुछ निकाला नहीं वही का वही सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी बदलने वाली नहीं है अगर टेम्परेचर बदला नहीं है बच्चों याद रखिएगा इस पूरे चैप्टर में जब भी थाउजेंड बाई एटीन तुरंत आपके दिमाग में क्लिक फाइव फाइव इसे आप ऐसे समझिए थाउजेंड बाई एटीन ये कितना है फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हंड्रेड बाई एटीन इसे क्या बोलोगे बोलो ना यार फाइव पॉइंट फाइव फाइव एंड सोन राइट तो ये नंबर आपके दिमाग में क्लिक करें तुरंत जब भी थाउजेंड पॉइंट जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में याद रखनी है इसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कह रहा हूं बच्चों जब भी वन अपॉन फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव फाइव आपको कैलकुलेशन मिले जो कि मिलेगा दिस विल बी नथिंग बट जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो नंबर को याद कर लीजिए आइए इस पूरी कहानी को कुछ एक सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात करना चाहेंगे जब भी सवाल में डेसी बोले इसका मतलब है टेन की पावर माइनस वन शब्द नहीं ये नंबर है मिली यानी टेन की पावर माइनस थ्री शब्द नहीं ये नंबर है सेमी यानी हाफ यानी जीरो माइनस टू बच्चों अक्सर बच्चों को ये वाला नंबर कंफ्यूज करता है अगर वो कह दे एक सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन है टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब बच्चे परेशान हो जाते हैं यार डेसीमीटर क्यूब है लीटर ही तो है क्योंकि एक डेसीमीटर क्यूब एक लीटर होता है तो ये न्यूमेरिकल को कई बार कठिन कर देता है अंडरस्टैंडिंग आपकी डिफिकल्ट कर देता है जस्ट कीप इन माइंड अगर कभी वो डेसीमीटर क्यूब कह रहा वही लीटर है एंड वन डेसीमीटर क्यूब इज वन लीटर ठीक है और एक एम को वन सेंटीमीटर क्यूब या सीसी भी सवालों में लिख देता है अगर आप सीख पाए हैं तो पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे है जल्दी से देखते हैं ऑनलाइन में कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है ट्वेंटी ग्राम एनओच इज प्रेजेंट इन टू फिफ्टी एम एल सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी ऑफ वन ग्राम पर एम जो सवाल मैंने पहले दिया था उसमें डेंसिटी नहीं दिया था अब इसमें डेंसिटी है पहले आप अटेम्प्ट करिए फिर मैं सॉल्व करता हूं बच्चों रूट मेथड से फॉर्मूला मत लगाना बिल्कुल बिल्कुल सफिशिएंट है सफिशिएंट है ठीक है रूट मेथड से फॉर्मूला मत लगाना जैसे सिखा रहा हूं वैसे लेके चलना है मेरे प्यारे बच्चों ट्वेंटी ग्राम एनओ एच ट्वेंटी ग्राम एनओ एच इज प्रेजेंट इन फिफ्टी mL सोल्यूशन और डेंसिटी गिवेन है फटाफट आंसर आ जाए तो टाइप करना स्टार्ट करिएगा आंसर आ जाए तो टाइप करना स्टार्ट करिएगा क्योंकि मैं करूंगा इसे कुछ ही सेकंड्स में खत्म करूंगा राइट समय समाप्त होने वाले कितने बच्चों के आंसर आ चुके हैं हाथ खड़े करें। जहां बैठे हैं वहीं पे। आइए आइए चलिए डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए देखो मैं कैसे सोचूंगा बस बस अब नहीं करे आ जाओ सब लोग आ जाओ जाओ बोर्ड पे मैं सोचूंगा अच्छा सबसे पहले फील करो ना कितने क्या क्लिक करेगा क्या सोचूंगा 250 एल में 20 ग्राम है, तो है, तो तो है यानी 500 सौ एम में 40 ग्राम है और 500 सौ एम में 40 ग्राम है एम एल में अस्सी ग्राम है यह स्ट्राइक करे तो कहना अगर टू फिफ्टी में बीस ग्राम है मैं फॉर्मले लगाना नहीं सिखा रहा हूं मैं कह रहा हूं कैसे आप सवालों को बिल्कुल ईजी ढंग से कर सकते हैं सुनिएगा बच्चों ढाई सौ में कितने ग्राम है बीस तो सीधे कह दो ना साहब 500 ml में कितने ग्राम हुए 40 तो कह दो ना फिर हजार में, में कितने ग्राम हुए 80 यानी हजार यानी एक लीटर में कितने ग्राम हुए 80 तो इसका स्ट्रेंथ इस कितना हो जाएगा 80 ग्राम पर लीटर दैट्स इट स्ट्रेंथ आ गया तो क्या प्यारे बच्चों जल्दी से आप मोलायटी निकाल लोगे एस बराबर मोलायटी निकाला

थाउजेंड एम अपॉन थाउजेंड डी माइनस एम एम बी हेलो फॉर्मूला लगाइए आंसर पाइए खुशी के गीत गाइए समझ पाए तो हां कहिए थाउजेंड इंटू टू और डेंसिटी कितनी है 1.2 तो 1.2 पॉइंट इंटू हजार यानी कि बारह सो मोलैरिटी कितनी है टू मॉलिकुलर वेट 40 इसे करेंगे सॉल्व तो प्यारे बच्चों बताइए कितना आया टू थाउजेंड अपॉन वन 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 ग्यारह बीस हाँ जब इसे सॉल्व करेंगे चेक करो कोई बता सकता है कितना आंसर है जहां तक मुझे याद है इसका आंसर है वन पॉइंट सेवन एट के आसपास चलेगा भाई तो सवाल खटाखट बनेंगे सबसे पहले फील करो और अगर फील कर पाए हैं तो अगर सवाल आप सबके सामने प्यारे बच्चों स्क्रीन पे है नीट दो हजार तेरह का जरा देखिएगा कितने बच्चे कर लेंगे नीट 2013 का सवाल जल्दी से आंसर देंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया है ऑफ़ तो कंसंट्रेशन के मायने बहुत है लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला जाएगा उसका मतलब मोलैरिटी ही माना जाएगा और यूनिट में उन्होंने लिख भी रखा है जल्दी से बच्चों आ जाइए बन गया क्या अब देखो मैं कैसे सोल्व करूंगा इसे ठीक क्या उन्होंने हमसे पूछा है है यार आपको ये तो समझ में आता साहब हम लगा के कर लेंगे बिल्कुल करिये, बिल्कुल करिये, लेकिन थोड़ा सा बता दूं एंड करेक्ट आंसर इज थ्री बहुत बढ़िया मैं कैसे कहूंगा मोलायर एक तो method, root method. Root method बच्चा कैसे करेगा कि पूछा है राइट right?

नीचे लिख रहा हूं, into 10 की पावर और चेक कर लो जरा जीरो पॉइंट जीरो बनाया क्या ठीक है फॉर्मुला लगाना थोड़ी सिखा रहा हूं यार ये तो आपको आता था आता है आता रहेगा फील चाहिए ताकि हर लेवल के सवाल आप कर पाए अब इसे ऐसे समझो ना क्या उसने हमसे मोलाटी पूछा है हा? मोलैरिटी का फील क्या है एक लीटर में कितने मोल है एक लीटर में कितने मोल है सौ एमएल में कितने मोल है क्या मैं ये नहीं निकाल सकता सर सौ एमएल में पता 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 है अरे, पता है तो पता है पता है तो पता है अरे तो तो मोल मोल कैसे हर एंगल से सोचोगे तो ही आप हर तरह के सवाल कर पाएंगे मुझे मोलिटी निकालनी है तो मुझे सोचना है एक लीटर में कितने मोल लेकिन पहले मैं ये तो पता कर लू सौ एम में कितने मोल है कैसे पता करूं तो प्यारे बच्चों अपने को नंबर दे रखा है 6.02 10 की पावर 23 अगर मोल निकालेंगे तो कितना आया 6.02 10 की पावर 20 6.02 10 की पावर 23 देन ये कितना आया 10 की पावर -3 यानी मैं कैसे कहूंगा सुनिएगा 10 की पावर -3 मोल 100 ml में प्रेजेंट है हेलो 10 की पावर -3 मोल 100 ml में प्रेजेंट है तो दुनिया वालों कौन नहीं बता देगा कि हजार एम एल में, कितने सर, हजार में टेन की पावर माइनस टू मोल और हजार feel, feel, feel. एक लीटर में कितने है यही मोलिटी है. है नीट दो हजार बाईस का फटाफट आ जाइए इन वन मोल सोल्यूशन दैट कंटेन जीरो सवाल कुछ ऐसे बच्चों ने भी गलत किया था जो बहुत अच्छे नंबर लाते थे रीजन था जल्दबाजी नीट के पेपर में चीजें कठिन नहीं होंगी बच्चों बस आप कई दफा जल्दबाजी में बहुत जल्दी आंसर गेस कर लेते हैं। ये सवाल सबसे ज्यादा निगेटिव हुआ था उस साल 2022 का जिन बच्चों ने जल्दबाजी में पेपर करना चाहा एक बार आप अटेम्प्ट करिए एक बार सभी बच्चे अटेम्प्ट करें चलिए अब इस सवाल में हमसे उसने पूछा है कि भैया अगर अब मैं सॉल्व कर रहा हूं ठीक अगर वन मोलल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन वन मोलल है यानी एक के में एक मोल सॉल्यूट है एक के जी में एक मोल सॉल्यूट है यह सवाल पढ़ते से ही आपके जहन में आना चाहिए वन मोल सॉल्यूशन है लेकिन उसने कहा कि सॉल्यूट पॉइंट फाइव मोल है तो बताओ सॉल्वेंट कितना होगा इसे ऐसे समझिए बच्चों अगर मैं कहता हूं इसकी मोलालिटी वन मोलल है ये कहने का मतलब है कि एक के जी में एक मोल सॉल्यूट है इसका मतलब यह नहीं कि एक मोल सॉल्यूट है इसका मतलब यह एक के जी में एक मोल सॉल्यूट है तो अगर एक के जी पानी है तो एक मोल सॉल्यूट है पानी एक के जी नहीं है तो सॉल्यूट भी एक मोल नहीं है मगर जितना है रेशियो वही है मोलैलिटी तो वही है तो आज सॉल्यूशन वन मोलल है यानी कि एक के जी में एक मोल है तो आपसे पूछा है बताओ सॉल्वेंट कितना होगा अगर सॉल्यूट पॉइंट फाइव मोल है बिल्कुल हवा में सवाल बनता है साहब, तो अगर तो मतलब जल्दबाजी में 500 सौ कर दिया याद रखना, जब आपने मोलैलिटी डिफाइन किया था तो वहां पे सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं था सॉल्वेंट का वेट था इसीलिए आंसर जाएगा हाफ के जी और क्योंकि वो नहीं था तो जाएगा फाइव आप यह समझ पाए मोलैलिटी को डिफाइन करते समय बनाते समय लोगों ने ऐसे ही बनाया है राइट उन्होंने उसे प्यारे बच्चों पर के में डिफाइन किया है एम लीटर में डिफाइन नहीं किया है अगर आप समझ पाए हैं तो आप सबके सामने है अगला सवाल अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है दो हजार उन्नीस का अटैप करिए सोल्यूशन ऑफ एन एच इज दिस डेंसिटी दे रखी है और हमसे मोलैलिटी पूछा है अपने बच्चों को सवाल कठिन ही नहीं लगता उनको लगा साहब इसमें क्या कठिन है लेकिन लेकिन जो फील नहीं करते हैं या बहुत डीप में करना चाहते उनके लिए सवाल बहुत कठिन है अपने को तो एक सिंपल सा हेलो जरा वैल्यूज को पुट करिए मुझे जल्दी से बताइए मोलैलिटी कितनी आई है सभी बच्चे सॉल्व तो कर लोगे ना सवाल कठिन नहीं है हर वैरायटी हर पीवाई की उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं जब आप सारी वैल्यूज को पुट करते हैं सोल्व करते हैं तो आंसर आता है अब मैं इसको सोल्व करते नहीं बैठूंगा आप इसे आराम से बाद में वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना चलेगा आइए अगला सवाल ये जो सवाल है आप देखना मैंने क्या लिखा है 2015 में भी आया 2010 में भी आया सवाल दो बार आया ये बड़ी बात नहीं थी ये जो सवाल का प्रोफाइल है ना ये जो सवाल का टाइप है ना ये जो सवाल का उन्होंने नंबर लिया ये अपने एग्जाम में कई दफा और भी किसी चैप्टर में आया क्या कहना चाहता है आइए करते हैं तो सवाल हमसे कहता है वट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट क्या पूछा है मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है सोल्यूट का और सोल्यूशन की मोलिटी क्या दी है वन मोलर करने के हजार तरीके हो सकते हैं एक बिल्कुल रूट मैथड बच्चा कहता है साहब हम एक्स बी अपॉन एक्स से कर लेंगे एक्स बी अपॉन एक्स इक्वल टू एम एम ए बाई थाउजेंड बच्चों अगर ये फॉर्मुले आपको नहीं याद होंगे ना तो सवाल करने का मन नहीं करेगा आज इस वीडियो के बाद अगर आपको फॉर्मुले नहीं याद है एक चार्ट पेपर में लिख के उसे दो तीन बार लिख के याद करना याद हो जाएगा करने का एक तरीका तो ये मैथड है इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व करो आंसर आएगा हाँ बस याद रखना कि जब आप यहां x से रखोगे तो यहां लिखना पड़ेगा वन माइनस एक्स बी और फिर आप इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे ठीक है लेकिन अब मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुनिएगा फील होगा ना तो सवाल बहुत जल्दी बनेगा ये जो सॉल्यूशन है ये वन मोलल है ये कहने का मतलब क्या है यह कहने का मतलब यह है कि एक के जी सॉल्वेंट में एक के जी सॉल्वेंट में एक मोल सॉल्यूट के हैं हेलो और एक के जी सॉल्वेंट है और जाने अनजाने में सॉल्वेंट कौन है पानी और पानी एक के जी है यानी कि हमें यह पता चल गया कि पानी के कितने मोल है फिफ्टी मोल है सर आप ही इतना जल्दी कैसे निकाल पाते हो क्योंकि मुझे याद है एक के पानी है तो नंबर ऑफ मोल इज टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट सर हमें तो नहीं याद है तो बेटा याद करो ना नंबर ऑफ मोल कितने आए 55.55 मोल किसके पानी के पानी कौन है सॉल्वेंट सॉल्वेंट बोले तो ए सॉल्यूट बोले तो बी एनबी बराबर वन हमसे क्या पूछा है मोल फ्रैक्शन किसका सॉल्यूट का यानी एक्स बी पूछा है मैंने आपके सामने एक्स बी लिखा तो कितना आया वन अपॉन वन प्लस फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव जैसे मैं कह सकता हूं वन अपॉन फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव फाइव क्या ये जादू नंबर सबको याद है कुछ ही देर पहले इस नंबर को मैंने आपसे रटवाया था याद करवाया था बिल्कुल सही साहिल बिल्कुल सही जवाब दे रहा है साहिल एंड आंसर इज नथिंग बट जीरो पॉइंट जीरो वन तो देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन है वही आंसर है आई होप आप समझ पाए तो सवालों में फॉर्मुले और फील दोनों लेके चलिए सारे सवाल आपसे बनेंगे किसी भी लेवल का सवाल हो कैलकुलेशन हमारे नीट में नहीं आती है हम बहुत इजिली सवाल कर सकते हैं अगला सवाल आप सबके सामने बड़ा प्यारा सवाल है यह सवाल अक्सर बच्चों का डाउट होता है और कई दफा डाउट रहते रहते ही बच्चा नीट का पेपर दे देता है देखिए जरा इस सवाल को डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल हमें मिथेनॉ की डेंसिटी दे रखी है फाइंड आउट इट्स रिक्वायर्ड वॉल्यूम टू प्रिपेयर मोलर लीटर सवाल की पिक्चर नहीं बनी ना तो सवाल में फॉर्मले लगाते रहने से आंसर नहीं आएगा सवाल क्या कहता है थोड़ा चित्र बनाइए इमेजिन करते हैं आज ये जो बॉटल आपको दिख रहा है मान लो ये मिथेनॉल है मान लो अब वो कहता है कि ये जो हमारे सामने मिथेनॉल है राइट इसकी डेंसिटी है जीरो पॉइंट एट के जी पर लीटर तुरंत मेरे मन में फील आ गया 0.8 पॉइंट के जी पर लीटर यूनिट पढ़े ना बच्चा यूनिट पड़े यार। मैं कह सकता हूं, एक कितना हुआ, से इसी मेथनॉल में से मैं एक नया सोल्यूशन बनाना चाहता हूँ मुझे सोल्यूशन बनाना है तो मैं इसमें से कितना मिथेनॉल मिलाऊं मैं इसमें से कितना मिथेनॉल मिलाऊं कि जो नया सॉल्यूशन बने उसकी मोलारिटी तो ये हो और उसका ढाई लीटर बने मैंने मनी मन सोचा अच्छा यानी कि यानी कि ये जो मोलारिटी है रखना है यही वॉल्यूम ये रखना है और अपने को मोलारिटी का फॉर्मुला याद है एन बाई वी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एग्री और नॉट एग्री और नॉट बच्चों तो मैं कहूंगा यानी कि मुझे ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसमें सॉल्यूट 0.4 पॉइंट एक मोल मिलाना है कितने मोल मिलाने एक मोल ये क्लिक किया कि नहीं किया मतलब मैं इसमें से इतना मिथेनॉल मिला दू कि ये वाला सोल्यूशन बन जाए तो ये मिथेनॉल मिलाने के लिए कितना मोल मिलाऊं एक मोल लेकिन उसने मुझसे मोल नहीं पूछा वॉल्यूम पूछा है तो इसी वाले सॉल्यूशन में से कितना वॉल्यूम ऐड कर दूं कि एक मोल पहुंच जाए डन बच्चों किसके मोल आए मिथेनॉल के तो क्या मोल आ गए तो मैं वेट निकाल लूंगा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट और यहां से जब वेट निकालोगे तो मोल इंटू मोलिकुलर वेट और मिथेनॉल का मोलिकुलर वेट होता है 32 यानी कि कितने वेट आ गए 32 ग्राम ओके okay. वाला सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे के 32 ग्राम मिलाने डन अब 32 ग्राम मिलाऊं मगर मुझे क्या बताना वॉल्यूम बच्चों फील मेथड से करना सिखा रहा हूं जरा सुनिएगा तो कितना ग्राम मिलाना है बत्तीस कैसे मिलाए सुनो 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 अगर मिलाते 800 ग्राम या अगर 800 ग्राम मिलाना होता तो हमें कितना चाहिए था वन लीटर तो एक ग्राम मिलाना होता तो वन अपॉन एट हंड्रेड लीटर लेकिन अपने को कितना ग्राम मिलाना है थर्टी टू सर यही ग्राम क्यों मिलाना है ये ग्राम इसलिए मिलाना है क्योंकि ये वाला सोल्यूशन बनाना है और ये ग्राम मिलाने के लिए यह हो जाएगा 32 टू अपन एट लीटर इसे जरा सॉल्व करो जहां तक मुझे याद है आंसर आएगा 0.04 लीटर इज दस क्लियर इज दस क्लियर बड़ा प्यारा सवाल है आपके रिवीजन में जरूर होना चाहिए सवाल इज दस क्लियर आज केवल बातें करेंगे सॉल्यूशन की रोहित आज केवल चर्चा करेंगे सॉल्यूशन की आज रग रग में बसेगा केवल सॉल्यूशन 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 आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों आपसे पूछा है मोलैरिटी ओ ओ पहले देखो तो सही सवाल में पूछा क्या है सवाल में दिया क्या है भाई साहब अपने को परसेंट डब्ल्यू वी दिया है और मोलैरिटी पूछा है कितने बच्चों से बन जाएगा जल्दी से बताइए जल्दी से बन जाएगा क्या हाँ सर ये तो बहुत सिंपल है हमसे मोलैरिटी पूछा है परसेंट डब्ल्यू बाईवी दिया है तो अपने को फॉर्मला याद आया

क्या दे रखा है सर दिया है अपने को परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू और हमसे पूछा क्या है मुलाइटी? तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परसेंट है आपको अच्छे सभी बच्चे मुझे आंसर टाइप करके बताएंगे जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसे दिया जाएगा वेरी गुड जल्दी से आंसर टाइप करें साहिल का आंसर आ रहा है ट्वेल्व करेंगे करेंगे रिमर टाइमन बिल्कुल उसे भी करेंगे सबसे पहले सही जवाब दिया है कान्हा ने एंड आंसर इज सिक्स बिल्कुल सही कहा जब आप इसे सॉल्व करते हैं जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर सारी वैल्यूज को पुट करिए थर्टी इंटू वन पॉइंट टू इंटू टेन अपॉन यूरिया एंड आंसर इज सिक्स मोलर चेक करिए जरा ठीक है तो सारे सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं अगर हमें फटाफट सारे फॉर्मूले याद हो सारे कंसेप्ट याद हो अगला सवाल आप सबके सामने प्यारे बच्चों हंड्रेड ग्राम एक्स सोल्यूशनॉल कंटेन्स सोल्यूट मतलब अपने सामने सोल्यूशन है सोल्यूशन सौ ग्राम है और इसमें सोल्यूट फोर्टी सिक्स ग्राम है फोर्टी सिक्स ग्राम कौन है सोल्यूट और हमसे क्या पूछा है मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है सॉल्वेंट का जवाब देंगे जवाब देंगे ठीक है ग्रेटेस्ट आपने दिया था ग्रेटेस्ट सेवन ने आंसर दिया था सिक्स प्यारे बच्चों जब आप इस सवाल को करेंगे तो आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट राइट तो आपको पहले सॉल्वेंट के मोल पता होने चाहिए तो कहानी में सॉल्यूट के कितने ग्राम है फोर्टी सिक्स ग्राम फोर्टी सिक्स ग्राम किसके हैं सॉल्यूट के तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो नंबर ऑफ मोल इज टू वेटीन ग्राम एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 46 तो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 1 डन अब सुनो ना 100 ग्राम का कौन है सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है तो जब आप सॉल्वेंट का वेट निकालेंगे तो सॉल्वेंट का वेट होगा 100 46 यानी कितने ग्राम आया 54 ग्राम बच्चों यार सवाल में सॉल्वेंट कौन है तो बताया ही नहीं है सर सॉल्वेंट जाने अनजाने में हमेशा कौन होने वाला है पानी तो पानी ही सॉल्वेंट है नंबर ऑफ मोल्स के मोल आ चुके हैं सोल्यूट के मोल आ गए आपसे क्या पूछा था मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए सॉल्वेंट का एक्स एक्वल टू एन ए अपन एन ए प्लस एन बी यानी थ्री बाई फोर क्लियर बढ़िया शानदार प्यारे बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा इस चैप्टर का एक हिस्सा था, था अब एक और है जिसका नाम है एच टू ओ टू सोल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ मुझे दो आप है, है सा इसमें थोड़ा सा H2O2 मिलाइए तो किसका सॉल्यूशन बन गया H2O2 का अब ये जो H2O2 का सॉल्यूशन है ना इसकी एक खासियत है कि H2O2 इसमें से ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा किसी भी एच टू ओ टू सोल्यूशन से कितना ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा यह जानने का तरीका ही एक नया कंसंट्रेशन यूनिट है जिसका नाम है वॉल्यूम स्ट्रेंथ यानी अगर कोई मुझसे कहे कि सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें क्या बताता है तो मैं कहूंगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो एच टू ओ टू सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है वो हमें यह बताता है कि उस सोल्यूशन के एक लीटर से कितना लीटर ओ टू प्राप्त होगा इस लाइन को सेट कर लो बच्चों सॉल्यूशन के एक लीटर से एच टू ओ टू का कितना लीटर प्राप्त होगा सॉरी इस एच टू ओ टू सोल्यूशन के एक लीटर से ओ टू का कितना लीटर प्राप्त होगा यह किसका सोल्यूशन है H2O2 का यानी हाइड्रोजन पर का ये कौन सी गैस दे रहा है O2 तो मैंने बाजार से H2O2 के एक लीटर खरीदे अब इस एक लीटर से मुझे कितना लीटर O2 मिलेगा यही इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक सॉल्यूशन लिखा जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है लेट्स इमेजिन 10V। इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि एक ऐसा सोल्यूशन है एच का अगर इसका एक लीटर लोगे तो ऑक्सीजन मिलेगा दस लीटर जितना भी लीटर लोगे ऑक्सीजन उसका दस गुना मिलेगा तो अगर आपने सॉल्यूशन का 10 लीटर परचेज किया तो ऑक्सीजन उसका 10 गुना 10 टेन या हंड्रेड लीटर मिलेगा क्यों सर क्योंकि इसका वॉल्यूम 10 है सर ऐसा एच टू ओ टू मिलाया है ज्यादा एच टू ओ टू मिलाओगे तो ज्यादा ओ टू मिलेगा कम एच टू ओ टू मिलाओगे तो कम ओ टू मिलेगा आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट बच्चों तो इस सोल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है टेनवी अब मान लो दूसरा सोल्यूशन है इसका वॉल्यूम ट्वेंटी ऐसा सोल्यूशन है अगर इसका वन लीटर लेंगे मैं नहीं कह रहा हूं कि वन लीटर ही लेना है मैं कह रहा हूं अगर वन लीटर लोगे तो बताओ कितना लीटर मिलेगा बीस लीटर क्या मेरी बात समझ पा रहे है? तो इसके वन लीटर से कितना लीटर ओटू मिलेगा बीस लीटर अब सवाल यह है कि सर आज आपने कहा कि इसका वॉल्यूम स्टेंट टेन वी है ट्वेंटी वी है ठीक हम कैसे जानेंगे

बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एक सिंपल सा मतलब है कि उस सॉल्यूशन के एक लीटर से हमें कितना लीटर मिलने बतानी है इसकी मोलैरिटी ये जो सॉल्यूशन है हमें बतानी इसकी नॉर्मैलिटी इसकी स्ट्रेंथ हमने जितनी कंसंट्रेशन यूनिट पड़ी वो सब कुछ बताना है कैसे बताएं तो आइए समझते हैं इमेजिन करते हैं, प्यारे बच्चों हमने एक एच टू ओ टू का सोल्यूशन माना जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है मान लो मैंने आपके सामने एक नया सॉल्यूशन लिखा यह सॉल्यूशन में हमने H2O2 H2O2 मिलाया और और यह सॉल्यूशन बन गया H2O2 का और इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ इस है इतना है XV XV कितना मुझे अब इस सॉल्यूशन की बतानी है मोलैरिटी कैसे बताऊं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर एच मिलाया कितना है अगर आपने इसका एक लीटर लिया तो एक लीटर में एच टू ओ टू कितना मिला यह पता करना है तो कैसे पता करें एक मिनट इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है अगर इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्सवी है तो आपको एक समझना पड़ेगा बच्चों कि अगर इसका एक लीटर लिया तो ऑक्सीजन कितना लीटर मिला एक्स लीटर अब मुझे कुछ ऐसा कंसेप्ट लगाना है कि ऑक्सीजन की मात्रा देख के मैं H2O2 की मात्रा जान जाऊं तो उसके लिए आपको रिएक्शन में चलना होगा रिएक्शन देखना H2O2 का अगर दो मोल है तो O2 का एक मोल मतलब अगर हम O2 के बारे में जानेंगे तो H2O2 के बारे में भी जानेंगे अगर O2 का एक मोल है तो H2O2 का दो मोल। अगर O2 का, दो है, तो O2 का चार मोल कोई मुझे H2O2 का मोल बता दे तो मैं H2O2 के मोल जान जाऊंगा लेकिन O2 के मोल जाने कैसे हमें तो O2 का वॉल्यूम पता है अरे हमने जो सोल्यूशन लिया इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है एक्स मतलब ऑक्सीजन के कितने लीटर है एक्स लीटर तो अगर ऑक्सीजन के लीटर पता है तो क्या मैं ऑक्सीजन के मोल नहीं निकाल सकता हूं हम सबको पता है नंबर ऑफ मोल टू होता है वॉल्यूम राइट? Right? तो ऑक्सीजन के कितने मोल आ गए एक्स अपॉन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर सर ये क्या है मोल किसके ऑक्सीजन के जो कहां से आए एच टू ओ टू सोल्यूशन से आए जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्स भी है अगर O2 के इतने मोल आए तो मुझे एक बात तो अच्छे से पता है कि अगर O2 के इतने मोल है मतलब H2O2 के दुगने होंगे दुगना किया तो इतना आ गया बच्चों रुको ये किसके मोल आए H2O2 के कहा मौजूद है H2O2 सॉल्यूशन में कितना लीटर एक लीटर तो एक लीटर सॉल्यूशन में H2O2 के कितने मोल है X अपॉन इलेवन और एक लीटर सोल्यूशन में जितने मोल होते हैं वही तो मोलिटी होता है एक लीटर सोल्यूशन में जितने मोल होते हैं वही तो मोलाइटी होता है आई होप आप सब मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। यानी तुरंत हम क्लियर है हमने मोलायरिटी कितनी निकाली एक्स अपॉन इलेवन पॉइंट टू सर यह क्या है मोलायरिटी किसकी एक्स टू ओ टू सोल्यूशन की जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्स है तो बच्चा ऐसे समझे कल को सवाल आपको देगा उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलेगा x x आपसे पूछेगा तो से कर देना दिस इज क्लियर और अगर निकाल लिया फिर तो स्ट्रेंथ भी आएगा फिर नॉर्मेलिटी भी आएगा हाँ या ना तो प्यारे बच्चों अब हम सारी चीजें अब हम सारी चीजें फटाफट निकाल ले तो क्या मोलाइटी का फॉर्मूला गया अब इससे ज्यादा फील ना करें फटाफट इस फॉर्मुले को लिख ले तो आप सभी अपनी कॉपी में पहला फॉर्मुला लिखिएगा मोलायटी का एक्स अपॉइट इलेवन पॉइंट टू चलेगा अगला फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का तो नॉर्मेलिटी का हम सबके सामने फॉर्मूला आ चुका है x 5.6 कॉपी में लिखिएगा नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है x फॉर्मूला आ चुका है x 5.6 चलेगा अगला कांसेप्ट है स्ट्रेंथ का तो अपने को कांसेप्ट आता है स्ट्रेंथ बराबर मोलैरिटी मॉलिक्यूलर वेट हेलो जरा मुझे बताओ एच टू ओ टू सोल्यूशन की मोलाइटी थी कितनी आई थी? थी x एक्सॉन इलेवन पॉइंट दो चौतीस जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बना एक्स अपॉन फाइव पॉइंट सिक्स इंटू सेवनटीन में अभी फॉर्मले आप सबसे पूछूंगा बच्चों आपको याद होंगे तो ही मजा आएगा इस रिवीजन क्लास को तभी यूज कर पाएंगे अच्छे से जब आप ये सारे फॉर्मले याद कर पा रहे हैं लिखते चले याद करते चले दिस क्लियर

वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्स बता दे तो मैं मोलैरिटी निकाल सकता हूं नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूं स्ट्रेंथ परसेंट डब्ल्यू वी वो सारी चीजें जो हम नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करते थे वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो रिवर्स भी सोचिए अगर मोलैरिटी दे दे H2O2 का तो आपसे स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है आइए इस पूरी कहानी को कुछ एक सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात सबसे पहला सवाल हमसे पूछा है मोलैरिटी और आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है बच्चों इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है 22.4 क्या आप इसे फील कर पा रहे हैं हाँ सर इसका फील है एक लीटर सॉल्यूशन से 22.4 लीटर O2 मिलेगा मैं नहीं कह रहा हूं 22.4 लीटर O2 ही मिलेगा मैं कह रहा हूं एक लीटर सॉल्यूशन से 22.4 लीटर O2 मिलेगा खैर ये तो फील हुआ सवाल हमसे फील नहीं पूछा है सवाल हमसे मोलैरिटी पूछा है तो लगाइए मोलैरिटी का फॉर्मुला सर का फॉर्मुला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वाल, ये वाला लगा दें क्या बच्चे क्यों आपको आपने इसे सोल्व किया तो आंसर कितना टू मोलर मतलब समझे इसका मतलब ये हुआ अगर एक लीटर में आप एच टू ओ टू के दो मोल मिलाओगे अगर एक लीटर में एच टू ओ टू के दो मोल मिलाओगे तो कहीं जाके आपको ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर मिलेंगे ग्राम इस इन 100 ml अब उसने वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं दिया पहले वाले सवाल में वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया था इस सवाल में वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं दिया वो एक जानकारी दे रहा है कि सौ एम एल में थ्री पॉइंट फोर ग्राम एच टू ओ टू है तो हमें बताना है स्ट्रेंथ मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ शुरू हो जाओ सबसे पहले तो आप लोग मुझे स्ट्रेंथ बताइए कितने बच्चे स्ट्रेंथ तुरंत बता देंगे बिना फॉर्मुला लगाए बता दोगे शानदार देखो अपन कैसे करेंगे ऐसे सर स्ट्रेंथ की परिभाषा क्या है एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम है हाँ या ना बच्चों सॉल्यूट के, ग्राम है? के, कि के हैं। तो कितने ग्राम बस वो डेफिनेशन थर्टी फोर तो सीधे एक लाइन में लिख दीजिए ना स्ट्रेंथ होगा 34 ग्राम पर लीटर ये कठिन है क्या बच्चों लो हमारे सामने स्ट्रेंथ आ गया लेकिन कहानी केवल स्ट्रेंथ की नहीं है बच्चे हमसे मोलैरिटी पूछा है। अगर हमसे मोलायटी पूछा है तो अपने को फॉर्मूला आता है एस बराबर M, M, B, और कितना निकालना है स्ट्रेंथ कितना 34. वेट कितना वेट ऑफ होगा 34. तो बताइए मोलाइटी आ, आ चुका है तो क्या आप सब मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता देंगे थर्ड पार्ट के लिए बोलो आप क्या करें अच्छा हमसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है मतलब उसने हमसे एक्स पूछा है तो वो वाला फॉर्मूला सोचो जिसमें एक्स आता हो स्ट्रेंथ का भी अपने को याद है हैोलैरिटी का भी याद है सबसे आसान कौन सा है molarity वाला तो प्यारे बच्चों यहां से आप सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू आ चुकी है इलेवन पॉइंट टू वी रोको क्या सबको एक्स का फील आ रहा है क्या आप सबको वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फील आ रहा है सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एक सिंपल सा मतलब है कि एक लीटर सॉल्यूशन से हमें कितने लीटर O2 मिलेंगे एक लीटर सोल्यूशन से कितने लीटर O2 मिलेंगे या और सरल भाषा में जितना लीटर एच का लिया जाएगा कितना गुना O2 का मिलेगा यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें बताएगा क्लियर। अगर समझ पाए हो तो प्यारे बच्चों अब कहानी आगे बढ़ाने का समय है हमने अभी तक जो पढ़ा यह सोल्यूशन का एक हिस्सा है कंसंट्रेशन यूनिट अब हम सोल्यूशन चैप्टर में घुसने वाले हैं तो बढ़ चले सोल्यूशन चैप्टर में प्यारे बच्चों अगला जो सवाल है आप सबके सामने जरा सभी अटेम्प्ट करें बस एक दो सवाल और कर ले फाइंड आउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ हमें दे रखा है और हमसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है बोलो सबको सवाल समझ में आ गया हमसे क्या पूछा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ यानी हमसे क्या पूछा है डन और हमें क्या दे रखा है स्ट्रेंथ तो करने के हजार तरीके हो सकते हैं स्ट्रेंथ से मोलैरिटी निकाल लो और फिर उससे एक्स लो अगर आपको स्ट्रेंथ का सीधे फॉर्मला याद है तो सीधे भी कर सकते हैं आप सबके सामने सोल्यूशन है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अपॉन और वैल्यूज को रखेंगे तो आपके सामने एक्स आ जाएगा मैंने क्या सिखाना चाहा? मैंने यह सिखाना चाहा कि अगर हमें वो स्ट्रेंथ देके कुछ और पूछे वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो भी कर सकते हैं और कुछ और देके वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछे तो भी कर सकते हैं डन बच्चों अगला सवाल कर लीजिए एम्स 2013 का है जल्दी से करना इस सवाल में बच्चों को लगता है कैलकुलेशन है बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए सवाल आपसे बन जाएगा रुको उसने हमें क्या दे रखा है स्ट्रेंथ और उसने हमसे क्या पूछा है वॉल्यूम वॉल्यूम पूछा है यानी वो हमसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है राइट तो प्रश्न में हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है प्रश्न में हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ यानी कि निकालना है क्या दे रखा है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ तो का अभी आपको बताया था आपकी कॉपी में लिखा भी होगा एक्स हमसे हम पूछा है स्ट्रेंथ की वैल्यू है एक्स right? हमसे पूछा है इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स आप सबके सामने आ जाएगा लगभग कैलकुलेशन लगभग भी हो जाती है ठीक है क्या तो मैं सिखाना चाहता हूं सवाल में कुछ भी दम नहीं है आपको चीजें याद होनी चाहिए ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आए हैं हां एक दो बार अच्छे सवाल भी आए हैं बच्चों अभी तक हमने जितना किया वो एक प्रोफाइल था एक आखिरी सवाल आपसे डिस्कस कर रहा हूं सवाल हमसे पूछा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ट्वेंटी एम एल ऑफ टेन वी एच टू ओ टू सोल्यूशन है ना ये सवाल असर मैंने देखा है कि बच्चे निगेटिव करते हैं वो इसमें घबरा जाते हैं क्यों घबरा रहे हो सवाल क्या कह रहा है कि मेरे पास एक एच टू ओ टू का सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ टेनवी है और उसके बीस एम एल का तो 10V वाले के 20 ML का आपसे क्या पूछा है मोलैरिटी सर चाहे आप बीस एम एल की मोलैरिटी निकालो चाहे पचास एमएल की चाहे सौ एम एल की अगर किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी एम है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी एम है तो आप घबराओ नहीं बीस एम एल से आप तो सिंपली मोलैरिटी मोलो मतलब सवाल ऐसा समझा जाए कि हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है और हमसे मोलैरिटी पूछा है तो सीधे मोलैरिटी का फॉर्मुला है यही सॉल्यूशन की मोलैरिटी है और ये जो मोलैरिटी है यही बीस एम एल की भी मोलैरिटी है चेंज होने वाली नहीं है सारा का सारा किस्सा कंसंट्रेशन यूनिट और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का था ठीक है अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं

वेपर का प्रेशर जरूर है मगर उसकी पूरी है। ये फील होगा, हमें इस आज हम सबके सामने इस में भरा है और उसी का एक डायग्राम आपके सामने बना है राइट तो इमेजिन करते हैं ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है ठीक है छोड़ के गए सरफेस को छोड़ के गए तो उनका एवोपरेशन हुआ और फिर लौट के जब आए तो कंडेंसेशन हुआ अगर कोई भी लिक्विड है तो उसमें किसी भी टेम्परेचर पे एवपरेशन भी चल रहा कंडेंसेशन भी चल रहा और एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ जाएगा जाएगा यानी कि उसमें आ उस मोमेंट पे जब आ जाएगा मेरे शब्दों को सुनिएगा उस मोमेंट पे जब इक्लिब्रियम आ जाएगा ऊपर मौजूद जो वेपर के मॉलिक्यूल हैं जो ये लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं प्यारे बच्चों यही कहलाता है वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर इज नॉट ओनली द प्रेशर ऑफ वेपर वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर अब खास बनाता है ना वो है इक्विलिब्रियम पे होना। तो अगर मैं इस पूरे पूरे के सेटअप को एक रिएक्शन के रूप में लिखना चाहूं तो रिएक्शन के रूप में कुछ ऐसे लिखूंगा एच टू लिक्विड से बन रहा था और धीरे धीरे उसके जीवन में नीचे कौन है लिक्विड ऊपर कौन है गैस तो इस सिस्टम में जो भी प्रेशर आ रहा क्या वो H2 गैस के कारण आ रहा और अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O के बराबर यानी इस सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP है वो भी H2O के प्रेशर के बराबर है एंड द बेस्ट पार्ट इज इक्लिबรียม पे ऊपर जो प्रेशर आ रहा वही तो वेपर प्रेशर है यानी मैं कह सकता हूं इक्लिबรียม पे जो वेपर प्रेशर है वो H2O गैस के कारण है और वही केपी है इसीलिए मैं कहता हूं इस चीज को समझिए प्यारे बच्चों जो वेपर प्रेशर वीपी है वही तो केपी है यानी वीपी ही तो केपी है जिसने वेपर के प्रेशर को केवल वेपर का प्रेशर जाना उसने वेपर प्रेशर को रत्ती भर नहीं जाना वेपर प्रेशर वेपर का प्रेशर जरूर है मगर इक्विलिब्रियम का है अगर आप सवाल करना चाहते हैं कंसेप्ट ऐसे सोचो वीपी वीपी ही ही तो तो केपी केपी है है यानी कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो किसी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के अंदर होती है वही सारी प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर के अंदर भी होती है तो वेपर प्रेशर यानी कि वीपी ही तो केपी है बच्चों इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको ऐसा पढ़ाया जाता है कि जो

वेपर प्रेशर कोई मामूली प्रेशर नहीं है बच्चे वेपर प्रेशर ही और दूसरा है तीसरा कोई फैक्टर नहीं है सवाल आपको घुमाएगा लिक्विड को एक्सपांड कर दिया बताओ वेपर प्रेशर चेंज होगा नहीं होगा सरफेस एरिया के बदलने से वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा एक पिस्टन से कंप्रेस कर दिया वेपर प्रेशर बदलेगा नहीं बदलेगा कंसंट्रेशन बदल दिया सुनिएगा वेपर प्रेशर किसी भी सिस्टम का लिक्विड का केवल दो ही चीजों पर डिपेंड करेगा एक है नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा है क्वेश्चन इज सर दो पे पे तो तो करेगा करेगा अब इन पे कैसे करेगा? तो देखते हैं सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड इसे ऐसे समझते हैं हमारे सामने दो लिक्विड है एक अल्कोहल है और एक ईथर है राइट यहां पे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही और यहां पे लोन पेयर लोन पेयर का रिपल्शन हो रहा बच्चों इतना तो आप समझते हैं कि यहां पे दोनों लिक्विड के बीच में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और यहां पे दोनों लिक्विड के बीच में कमजोर है मतलब इसे ऐसे समझिए कि एक बर्तन में है और एक बर्तन में आर है तो वहां इंटरक्शन कमजोर है और यहां इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है राइट तो जब इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है इनकी जो स्केपिंग टेंडेंसी है वेपर में जाने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी लेकिन जब उनका इंटरेक्शन कमजोर होगा तो उसकी स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी यानी मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा वेपर बनाना चाहेंगे यानी मैं ऐसे कह सकता हूं अगर किसी लिक्विड में इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉग होंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा और अगर इंट्रेक्शन कमजोर होंगे उसका जो वेपर प्रेशर होगा ज्यादा होगा सवाल आपसे पूछ सकता है ईथर और अल्कोहल में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है

वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि टेंपरेचर से कैसे बदलता है तो हमारे सिलेबस में इक्वेशन है जिसका नाम है क्लॉसियस इक्वेशन और क्लॉसियस इक्वेशन का एक्सप्रेशन आप सबके सामने है, log delta H T2, इसे ऐसे भी लिख सकता हूं बाई पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो सर ये क्या है ये इक्वेशन है इससे हम क्या बताएंगे इससे हम ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर के बदलने से वेपर प्रेशर कैसे बदलेगा इज क्लियर प्यारे बच्चों खेल ये नहीं खेल ये है कि ठीक है साहब दो ही फैक्टर हैं एक तो है नेचर ऑफ लिक्विड एक है टेम्परेचर दोनों से बदलेगा और तीसरा कोई फैक्टर नहीं है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बदलने से सरफेस एरिया के बदलने से इन सब चीजों के बदलने से वेपर प्रेशर नहीं बदलता इसे आप दिमाग में ऐसे रखिए वीपी ही तो केपी है

सवाल यह है कि सर आप कहना चाहते हो कि हर लिक्विड का जरा एक बार आपके पास पानी रखा होगा उसे ध्यान से देखो और सोचो कि साहब वहां जो पानी है इसके मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के जा रहे हैं है, है ना टकरा रहे हैं है, उसके जीवन में है 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 सर क्या यहां पे है? हाँ, बिल्कुल है. सर क्या क्या पे पे बिल्कुल वेपर एक प्रेशर लगा रहे हैं हाँ लगा रहे सर वो जो वेपर प्रेशर है आखिर हम निकाले तो निकाले कैसे ना द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एस इज हाउ टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर हाउ टू मेजर द वेपर प्रेशर अब एक चीज को समझना हम वेपर प्रेशर निकालने वाले वेपर प्रेशर हर लिक्विड का होगा ही होगा लेकिन आपको यह समझना है हम वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कैलकुलेट नहीं करने वाले हम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करने वाले किसका कैलकुलेट करने वाले हैं सॉल्यूशन का तो बच्चों आज इस चीज को समझिए अगर कोई लिक्विड प्योर है उसका अपना वेपर प्रेशर होगा ही होगा लेकिन हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे वो सवाल में गिवन होगा व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो बच्चों हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं दैट इज सॉल्यूशन उसमें अब हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने वाले हैं सर क्यों निकालने वाले हैं क्योंकि यही वो प्रॉपर्टी है जो पूरे सॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाला है तो आओ पहले एक बार वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं right? राइट तो वेपर प्रेशर कैसे निकाले वेपर प्रेशर कैसे निकाले उसके लिए समझना पड़ेगा हमारे जो सोल्यूशन है वो क्या क्या होने वाले हैं ठीक तो बच्चों जब हम सोल्यूशन पढ़ते हैं है ना तो इमेजिन करते हैं ये लिक्विड सॉल्वेंट है और आपको इसे सोल्यूशन बनाना है तो सोल्यूशन बनाना है तो आपको सोल्यूट मिलाना पड़ेगा अब सोल्यूट आपके सामने दो तरह के होने वाले हैं या तो हो सकता है सोलिड सोल्यूट होगा या तो हो सकता है लिक्विड होगा मतलब पानी में हो सकता है आपने चीनी मिलाया सॉलिड सॉल्यूट पानी में हो सकता है आपने नमक मिलाया सॉलिड सॉल्यूट पानी में हो सकता है इथेनॉल मिलाया यानी लिक्विड सॉल्यूट सॉल्यूट तो जब आप ऐड करते हैं तो अपने सामने दो तरह के सॉल्यूशन आने वाले हैं इधर दे कैन बी लिक्विड लिक्विड सिस्टम और दे कैन बी सॉलिड लिक्विड सिस्टम ठीक है तो सबसे पहले हम वेपर प्रेशर निकालने वाले हैं सवाल करेंगे है? तो तो हमारे सामने यहाँ पे सॉल्वेंट है और प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं जो सॉल्वेंट है उसके अपने कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कलर येलो कलर का है जैसे तो मैं कहूंगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पीले पीले और लेट्स इमेजिन कर लेते हैं कि सॉल्यूट है वो हमारा नीला नीला है मान लीजिए या अपन बदल भी सकते हैं आपको जैसा रखना हो अब दोनों को मिला दोगे जब दोनों को मिलाओगे तो जो सॉल्यूशन है वहां पे प्यारे बच्चों नीला वाला पार्टिकल भी है और पीला वाला पार्टिकल भी है यानी उसमें सॉल्यूट भी मौजूद है और उसमें सॉल्वेंट भी मौजूद है मेरा सवाल एक पूरी क्लास से है बताओ आज ये जो नीला और पीला है दोनों ही सब्सटेंसेज लिक्विड है हा है लिक्विड का एक नेचर होता है वोलेटाइल मतलब वो अपने सरफेस को छोड़ के जाना चाहते हैं तो क्वेश्चन आप है, बताओ को छोड़ के पीला वाला कि बताओ बोलो, बोलो, बोलो। हाँ मतलब मतलब आपको कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी मिलेंगे और ऊपर आपको कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी मिलेंगे बताओ प्यारे बच्चों ज्यादा किसके मॉलिक्यूल मिलेंगे सॉल्यूट के सॉल्वेंट के ज्यादा किसके मॉलिक्यूल मिलेंगे सॉल्यूट के सॉल्वेंट के सर

मतलब ऊपर सॉल्यूट भी है ऊपर सॉल्वेंट भी है अब सॉल्यूट का भी कुछ प्रेशर होगा सॉल्वेंट का भी कुछ प्रेशर होगा तो मेरा सवाल आप सब से तो यह है प्यारे बच्चों बताओ ऊपर का प्रेशर जो होगा वो इन दोनों के कारण होगा कि नहीं होगा हाँ या ना इस चीज को समझना है आज से कई साल पहले एक साइंटिस्ट है उनका नाम था राउल ठीक है उन्होंने एक लॉ दिया उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी भी कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं तो वेपर प्रेशर इस बात पर डिपेंड करता है कि लिक्विड फेज में उसके कितने मोल मोल है, है। यानी फ्रैक्शन सर क्या कहना चाहते आएंगे? नहीं अगर आपने मतलब नीला, नीले के के दो मिलाए होते तो ऊपर मैक्सिमम कितने आते दो और वो कभी आने वाले नहीं सारा का सारा जाए ऐसा होगा नहीं ना जितने सॉल्यूट मिला रहे हैं वो कभी पूरे ऊपर आने वाले नहीं है लेकिन सोल्यूट नहीं मिलाओगे तो नहीं भी आएगा और सोल्यूट ज्यादा मिलाओगे तो ज्यादा भी आएगा यानी ऊपर कितने मॉलिक्यूल आए उसी से प्रेशर आने वाला है और वो कितने आए इस बात पे डिपेंड करेगा कि नीचे आपने कितना मिलाया है यानी वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द लिक्विड फेज हेलो मैंने एक लाइन बोला है वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इन लिक्विड फेज ठीक है क्या और जब हम इसको समअप करते हैं तो फिर यहां से एक फॉर्मुला हम सबके सामने आता है कि अगर हम लिक्विड लिक्विड फेज ले मतलब मान लो नीचे हमारा लिक्विड फेज चल रहा है ठीक तो नीचे सॉल्यूट बी भी है नीचे एन ए इसका मोल मान लेते हैं एनबी है, और दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन मतलब इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा एक्स ए इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा एक्स बी तो ऊपर A का भी प्रेशर होगा ऊपर बी का भी प्रेशर होगा डन और जो ए का प्रेशर होगा दैट इज उसे हम क्या बोलेंगे और PA कितना होगा प्यारे बच्चों पीए नॉट इंटू एक्स और पीबी कितना होगा पीबी नॉट इन टी सर ये पीए और पीबी क्या है पीए और पीबी प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है और जैसा कि मैंने डिस्कशन के शुरुआत में कहा था कि सवाल में जो पीए नॉट और पीबी नॉट है वो हमेशा हमें गिवेन होगा ए नॉट और पीबी नॉट जो कि प्योर कॉम्पोनेट का वेपर प्रेशर है हम उसे कैलकुलेट नहीं कर रहे प्योर कॉम्पोनेट का वेपर प्रेशर डन तो राउल साहब ने क्या किया कि वेपर कि प्रेशर निकालने का एक बड़ा प्यारा तरीका दिया उन्होंने कहा किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में मौजूद उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है और वहां से एक फॉर्मुला निकल के आया पीए स्क्ट पीए नॉट इंटू एक्स पीबी स्कोल टू पीबी नॉट इंटू एक्स भी अपने आप से एक सवाल पूछो हम क्या कर रहे हैं वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं वेपर प्रेशर किसका निकाल रहे हैं सॉल्यूशन का जिसमें प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पहले से दिया होगा अब हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं तो उसमें एक कंपोनेंट ए है एक कंपोनेंट बी है राइट और दोनों का वेपर प्रेशर हमने निकाल लिया मतलब ऊपर इस वाले डायग्राम में ये जो पीले वाला का प्रेशर है पीला वाला हमने किसे बोला ए इसे बोलेंगे पीए इसे बोलेंगे पीबी तो पीए पीबी निकाले कैसे राउल साहब ने कहा ऐसे निकालो क्लियर अब मुझे बताओ ऊपर ए भी है ऊपर बी है तो जो टोटल प्रेशर होगा वो ए के कारण है कि बी के कारण है कि दोनों के कारण सर दोनों के कारण यानि मैं कह होगा और आप इसे थोड़ा सा ऐड करिए तो आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी ऑनलाइन वालों हमने क्या निकाला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला इस दस क्लियर अपने सामने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आ चुका है और सॉल्यूशन आया पीएस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट इनटू एक्स बी

और जहां x से है वहां वन माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इसी पे एक सवाल आया था 2012 में आप सब के सामने क्या कह रहा है and are the pressure of pure liquid. मतलब pure liquid का वेपर प्रेशर उन्होंने दिया है ठीक है ए एंड बी ऑफ एन आइडियल बाइनरी सोल्यूशन इफ एक्स रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट ए द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी अगर हमें एक्सए ग है और हमसे पी एस पूछा है तो सवाल में कोई दम नहीं है मुझे यकीन है कि हर बच्चा कर लेगा बोला yes no? है हमसे क्या पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है पी ए नॉट इन टू एक्स प्लस पीबी नॉट इन टू एक्स बी ठीक है आज उन्होंने पी ए नॉट पी बी नॉट नहीं बोला उस नोटेशन से मैच कर लेंगे मगर कंसेप्ट यही है ना अब एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करना पड़ेगा राइट right. तो वेरीफाई कैसे करेंगे अब पहला वाला देखो यहां पे क्या लिखा है PB प्लस एक्स पी पी ए पीबी माइनस पी तो अगर मैं केवल एक्स ए के फॉर्म में लिखूं तो मुझे x भी हटाना पड़ेगा तो कैसे लिख दूंगा PA not नॉट इन टू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इन टू इसे सिंपलीफाई कर लोगे बच्चों आप सभी क्या बनेगा बताइए PA not नॉट इन टू एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट करिए आप सबके सामने रिजल्ट आ चुका है पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस बी नॉट इंटू एक्स ए डन है तो देखिए ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा ये जिस भी ऑप्शन मैच कर रहा वही आपका आंसर होगा देखो 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 चलेगा बहुत बढ़िया शानदार तो प्यारे बच्चों एक सिंपल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पे भी उन्होंने सवाल हमसे पूछा है और इस प्रकार से सवाल बनेगा खैर आज हम इस काबिल हैं कि हम किसी भी का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं मतलब आप इसे ऐसे फील फील करो feel करो थोड़ा सा एक कर सकते हैं, और दोनों को जोड़ के हम वेपर प्रेशर सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं बच्चों जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो यहां पे ये जो पूरा, का, पूरा आपके सामने सिस्टम है, है इसके हम दो लेवल पे करते हैं एक एनालिसिस चलता है हम लोगों का लिक्विड लेवल पे और एक एनालिसिस चलता है है वेपर वेपर लेवल पे ठीक है? तो अभी आपने क्या किया प्रेशर निकाला तो वेपर प्रेशर निकालते समय आपको यहां का मोल फ्रैक्शन एक्स और यहां का मोल फ्रैक्शन एक्स भी पता था यह मोल फ्रैक्शन पता था तो आपने इसको कैलकुलेट किया Done. अब इसी में एक सवाल वो और पूछता है जब आपसे पूछता है कि ऊपर जो गैसियस कॉम्पोनेंट आए हैं ए और बी बताओ दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना है इसे ऐसे समझिए ऐसे समझिए हमने इसमें मिलाया इथेनॉल थोड़ा सा और थोड़ा सा मिला दिया पानी मिला दिया भाई अंदर अगर हमें इथेनॉल और पानी पता है इथेनॉल और पानी पता है तो हम ऊपर कितना वेपर प्रेशर बता देंगे लेकिन अब सवाल यह पूछ पूछना कि ऊपर जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल आए ऊपर जो पानी के मॉलिक्यूल आए बताओ दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना है मतलब अब हमें वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन मौजूद है ये कैलकुलेट करके बताना है अब क्या करें सोचो सोचो तो अपन ने क्या किया जब ऐसा सोचो बच्चों जब लिक्विड लिक्विड हो, लिक्विड लिक्विड हो हो तो हमेशा लगाना लॉ और ऊपर क्योंकि गैसियस सिस्टम है तो यहां चलेगा हमारा डेल्टन लॉ डेल्ट लॉ जो कहता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू तो टोटल प्रेशर मतलब यहां का भी प्रेशर है और यहां b का भी प्रेशर है समझना बच्चों सुन रहे हो ना यहां a का भी प्रेशर है और यहां b का भी प्रेशर है तो a का जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ a इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ a इनटू टोटल प्रेशर और टोटल प्रेशर कितना है ps डन तो मैं कह सकता हूं अगर मैं केवल ऊपर लगा रहा हूं ऊपर a का मोल फ्रैक्शन कितना माना ya और b का कितना माना yb तो एक बार डल्टन लॉ लगा रहे हैं में देखो देखो एक बार डल्टन लॉ कहां लगाया a में

पी ए अपॉन पी एस पढ़ो ना यार पढ़ेंगे थक गए क्या वाई एज कल टू पी ए अपॉन पी एस वाईज टू पी ए अपॉन पी एस चलेगा इसी प्रकार से जब हम बी में लगाते हैं डेल्टन लॉ तो अपने सामने फॉर्मूला आ जाता है वाई बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी एस आओ इस कहानी को समेटते हैं इस पूरे डिस्कशन को समेटते हैं राइट हमने क्या सीखा नीचे से ऊपर राउल्स लॉ जब पहुंच जाए ऊपर तो डेल्टल लॉ हमें पार्सियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला भी आता है ऊपर वाले कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला भी आता है डन बच्चों एक सवाल आपसे पूछता हूं अगर आज यहां ए भी मौजूद है बी भी मौजूद है तो ऊपर ए भी होगा ऊपर बी भी होगा ऊपर ए ज्यादा होगा कि ऊपर बी ज्यादा होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है सर इस बात पे डिपेंड करता है कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा आया ना तो प्यारे बच्चों इसे ही एक रूल के नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं कोनो वोलोव रूल कोनोव रूल कहता है कि वेपर फेज उस कॉम्पोनेट से रिच होगा जो ज्यादा वोलेटाइल होगा द वेपर फेज इज रिचर विद मोर वोलेटाइल कॉम्पोनेंट देन लेस वोलेटाइल कॉम्पोनेट सिंपल सी बात है सिंपल सा कंसेप्ट लेकिन आप यकीन नहीं करोगे इस छोटे से कंसेप्ट एग्जाम में सवाल आया है और सवाल क्या है आप सबके सामने पहले सवाल को देखते हैं ठीक है सवाल क्या कह रहा है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में यहां पे बेंजीन है राइट और इस सॉल्यूशन में बेंजीन के साथ कौन है टॉलुइन है देख लो जरा और बेंजीन का दे रखा है और टॉलुइन का मोलर रेशियो वन इज टू वन यही दे रखा है अब उसने पूछा है टेम्परेचर कांस्टेंट है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज ट्वेल्व पॉइंट एट मतलब बेंजीन का वेपर प्रेशर भाई ने कितना दिया ट्वेल्व और टॉलुइन का वेपर प्रेशर उन्होंने कितना दिया 3.85, बच्चों बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है बेंजीन का कि टोलुइन का किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है बेंजीन का टोलुइन का बेंजीन का कि टोलुइन का बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा यानी उड़नशीलता ज्यादा यानी वोलेटाइल नेचर ज्यादा यानी बेंजीन उड़ेगा ज्यादा यानी ऊपर हमें बेंजीन के मॉलिक्यूल िन के मॉलिक्यूल से ज्यादा मिलने वाले हैं क्योंकि बेंजीन ज़्यादा है कोई नहीं, कोई नहीं दिमाग नहीं सिंपल सा कंसेप्ट है, है, है क्या अगर आप समझ पाए हैं तो प्यारे बच्चों अब हम वेपर प्रेशर अच्छा कुछ देर पहले कहानी कहां स्टार्ट हुई थी थोड़ा सा बैक चलते हैं ठीक है थोड़ा सा बैक चलते हैं मैंने कहा अगर आप इस सोल्यूशन को समझना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा वेपर प्रेशर वेपर वेपर प्रेशर प्रेशर कोई वेपर का प्रेशर नहीं है वीपी ही तो केपी है और क्योंकि वीपी ही तो केपी है मतलब दो ही चीजों पे डिपेंड करता है एक है नेचर ऑफ लिक्विड और एक है टेम्परेचर तीसरा कोई फैक्टर नहीं है फिर अगला सवाल आया कि हम वेपर प्रेशर निकाले कैसे तो वेपर प्रेशर हम सोल्यूशन का निकाल रहे हैं उसमें हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन है एक है लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन एक है सॉलिड लिक्विड राइट तो अभी हमने जो वेपर प्रेशर निकाला वो लिक्विड लिक्विड का निकाला अब हम वेपर प्रेशर निकालने वाले हैं प्यारे बच्चों सॉलिड लिक्विड का ठीक है एक कॉमन सेंस का सवाल आप सबसे पूछता हूं इमेजिन करते हैं हम सबके सामने यहां एक सोल्यूशन है सब लोग आइए जरा और ये जो है इसमें यहां पर प्यारे बच्चों सोलवेंट भरा है ठीक है सभी लोग जवाब दे देना इसमें यहां पे सॉल्वेंट भरा है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मोलिक्यूल इमेजिन नीले नीले ठीक नीचे कौन भरा है सॉल्वेंट और हमने इसमें मिलाया सॉल्यूट लेकिन जो आज हम सॉल्यूट मिला रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है ये कहने का मतलब है कि वो सॉलिड सॉल्यूट है वो उड़ने वाला नहीं है उसके अंदर उड़नशीलता नहीं है जब ये सॉलिड सॉल्यूट यहां पहुंचेगा तो बच्चों मुझे एक सवाल का जवाब देना आज ऊपर कोई उड़ के आएगा कि नहीं आएगा किसी के मॉलिक्यूल ऊपर उड़ के आएंगे कि नहीं आएंगे किसी के मॉलिक्यूल ऊपर उड़ के आएंगे कि नहीं आएंगे सभी लोग जवाब देंगे और अगर किसी के मॉलिक्यूल उड़ के आएंगे तो किसके उड़ के आएंगे नीले की पीले ब्लू मॉलिक्यूल्स और येलो मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल आपको वेपर फेज मिलेंगे तो हर बच्चा मुझे जवाब देगा सर आज हमें केवल नीले वाले मॉलिक्यूल ही मिलने वाले हैं क्योंकि नीले वाले सॉल्वेंट है और पीले वाले कौन है सोल्यूट राइट ऊपर कौन मिलेगा नीला ऊपर किसके मॉलिक्यूल मिलेंगे नीले तो ऊपर जो प्रेशर आएगा वो सॉल्वेंट के कारण आएगा सॉल्यूट के कारण सॉल्वेंट के कारण यानी वेपर प्रेशर हमेशा दोनों से आता है ऐसा कोई नियम नहीं है अगर दोनों वोलेटाइल है तो ही दोनों से आता है अगर दोनों वोलेटाइल नहीं है तो केवल उसी से वेपर प्रेशर आएगा जो वोलेटाइल है आज क्या वेपर प्रेशर केवल सॉल्वेंट से आएगा तो जब हम वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं तो कुछ देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्यारे बच्चों पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी एग्री और नॉट A का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर विल बी टोटल प्रेशर तो आज तो सॉल्यूट का प्रेशर नहीं आएगा यानी जो सॉल्यूशन का प्रेशर कुछ नहीं किया जो पहले फॉर्मूला था उसमें से हमने एक कॉम्पोनेट के वेपर प्रेशर को हटा दिया तो दूसरे के वेपर प्रेशर हमें मिल गया और आपके सामने ये फॉर्मूला है आप यकीन नहीं करेंगे इस कंसेट पे भी उन्होंने सवाल पूछा है राउल्स लॉ हमारे सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है और राउल्स लॉ पे ढेर सारे सवाल बनते हैं फिलहाल अभी हम वेपर प्रेशर निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्लियर इस पूरी कहानी में एक छोटा सा कंसेप्ट हो जो मुझे आपको सिखाना है समझना थोड़ा फील करना फिर अपन एक पांच मिनट का ब्रेक लेंगे इसके बाद ठीक है इसको पहले खत्म कर ले वेपर प्रेशर को आइए आज बताओ मेरे हाथ में जो दिख रहा है ये सॉल्यूशन है कि पानी है क्या है ये पानी पानी प्यारे बच्चों प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर होगा जिसे हम कह रहे, हैं। और हम निकाल रहे हैं। अगर पानी में इथेनॉल मिला दो तो क्या हम वेपर प्रेशर निकाल, लेंगे? निकाल लेंगे अगर पानी में नमक मिला दूं, चीनी आज जब हम अभी वेपर प्रेशर निकाल रहे थे तो सॉलिड सॉल्यूट का ही निकाल रहे थे क्वेश्चन ये है बच्चों जब प्योर पानी था तब भी वेपर प्रेशर था हा साहब और जब आपने चीनी मिलाया तब भी वेपर प्रेशर है एग्री और नॉट हा है

सोल्यूट कैसा है नॉन वोलेटाइल यानी कि चीनी हो सकता है ग्लूकोज हो सकता है सोल्ट हो सकता है तो जो जैसा था जीवन चल रहा था लेकिन आपने मिला दिया उसमें सोल्यूट जैसे ही सोल्यूट मिलाया तो उतने सरफेस से जहां से पानी के मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के जा रहे थे अब वहीं पे कुछ जगहों पे सॉल्यूट आ चुका है तो इन जगहों पे सॉल्यूट आ गया मतलब अब सॉल्वेंट का ऊपर जाना मुश्किल हो गया और जब सॉल्वेंट का ऊपर जाना मुश्किल हो गया तो जितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पहले ऊपर जाते थे अब उतने जाने वाले नहीं है, है। इसीलिए कहा जाता है, जब कभी किसी में कोई मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम है जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम है जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम है इसे कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इसे कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आई होप आप यहां पर तक समझ पाए हैं बच्चों तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या सीखा कॉन्क्लूड करते हैं फिर पांच मिनट का ब्रेक लेते हैं ठीक तो हमने क्या क्या सीखा अरे थक गए क्या ऑनलाइन वालों थक गए क्या आइए जरा क्या क्या सीखा सुनिएगा अगर लिक्विड लिक्विड सिस्टम होगा अगर लिक्विड लिक्विड सिस्टम होगा तो वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है पी ए स्क्ल टू पी ए नॉट इन एक्स ए पीबीक्ल टू पीबी नॉट इन एक्स बी और पीएस हो जाएगा हम सबके सामने पीए नॉट इंटू एक्सए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना भी आना चाहिए कंसेप्ट नंबर टू अगर हमने सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन लिया तो वेपर प्रेशर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है पीए नॉट इंटू एक्स ए लेकिन जब हम सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हैं जब हम सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है इसी लिक्विड लिक्विड में हम लोगों ने एक कंसेप्ट निकाला ये और वाई बी का क्या हर बच्चे को वाईए वाई बी का फॉर्मूला याद है तो वाईए का फॉर्मुला था पी ए अपॉन पी एस और वाई बी का फॉर्मूला था अपॉन डन है बच्चों तो इस प्रकार से हमने अभी तक वेपर प्रेशर निकाला लिक्विड लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड लिक्विड का और हमने यहां तक सारे कंसेप्ट किए अब यहां पे कुछ एक सवाल करते हैं लेकिन सवाल करने के पहले पांच मिनट का ब्रेक लेते हैं ले ले क्या आप लोग थके तो नहीं अब तो सॉल्यूशन चैप्टर शुरू हुआ है बच्चों पहले तो कंसंट्रेशन यूनिट था हां आर्यन आता हूं आता हूं उस पर आता हूं चलिए तो मिलते हैं पांच मिनट के ब्रेक के बाद अभी हो रहे हैं सिक्स फोर्टीन सिक्स फिफ्टीन के आसपास सिक्स ट्वेंटी पे हम लोग फिर से मिल रहे हैं वीडियो में ऑफ नहीं कर रहा हूं ठीक है सिक्स ट्वेंटी पे हम लोग फिर से मिल रहे डन पांच मिनट का ब्रेक छह बीस पे लौट के आ रहे हैं सिक्स ट्वेंटी पे लौट के आ रहे चलिए 620 बैक बैक ब्रेक ओवर आ जाइए सभी बच्चे बिल्कुल प्रेमराज धीरे-धीरे सब कुछ करेंगे आज पहला चैप्टर ये कर रहे हैं और आज दिन भी ऐसा है गणतंत्र दिवस तो सभी स्टाफ यहाँ पे थोड़ा छुट्टी पे है है ना तो परपस ये था कि आज, आज आप सब मिल जाएंगे ठीक है बिल्कुल करेंगे प्रेमराज आइए तो ब्रेक होता है अपना खत्म 620 पे हमने कहा था कि फिर से वापस आएंगे और वापस आ चुके हैं ठीक है चलिए प्यारे बच्चों आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं और अभी हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे और अब वेपर प्रेशर कैलकुलेशन के बाद चलते हैं कुछ एक सवालों में ठीक है तो पहला सवाल आप सबके सामने है 2015 का यह सवाल बहुत आसान है कोई ज्यादा कठिन नहीं है लेकिन ऐसे सवाल भी आए हैं ये बताना चाहता हूं ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने क्या मिलाया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सभी बच्चे आ जाए सभी बच्चे आ जाए ठीक है चलिए तो हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया कहा मिलाया सोलवेंट में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ड्रीज सही बात है जब आप सोल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है and becomes z मतलब तो सोलवेंट की सोल्यूट क्या लिखते हो तो आपके सामने एक फॉर्मुला बेस्ड सवाल है और आपसे पूछा है बताइए जेड क्या है तो उसने बस फॉर्मुले का मॉडिफाइड वर्जन पूछा है राइट तो जेड यानी कि

बस ये पहचानिए कि हमें करना क्या है तो सवाल में आपसे क्या पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ़ इन वेपर तो ए का वेपर पूछा है।, मतलब सरल में सवाल है तो वाई मतलब ए मतलब तो क्या लिखते हैं पी ए नीचे लिखते हैं पी एस ए ए बी, बी सिंपल है और पी ए का फॉर्मूला क्या है पी ए नॉट इन एक्स ए अपॉन पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी सारी वैल्यूज को पुट करिए सॉल्व करिए सभी बच्चे सभी बच्चे मुझे जल्दी से बताएं इसका कितना आंसर आएगा पी ए नॉट कितना दे रखा है 80. अच्छा XA यानी कि मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज ये concept, मतलब इस चैप्टर में कुछ नए नए टर्म्स आपको याद रखें जैसे ए बोले तो सॉल्वेंट बी बोले तो सॉल्यूट एक्स एक्स बी बोले तो मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज और वाई ए वाई बी बोले तो मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज ठीक है तो 80 इंटू एक्स एब एक्सए कैसे निकाले तो उसने कहा है कि दोनों के मोल सेम है यानी जितना ए है उतना ही बी है यानी एक्स ए होगा हाफ तो एक्स बी भी, भी होगा हाफ तो इस वैल्यूज को रखिए सॉल्व करिए 18 इंटू हाफ शायद मैं सही कह रहा हूं अगर कोई बच्चा मुझे आंसर बता पाए सबसे पहले तो देखते हैं ऑनलाइन में कोई आंसर बता पाए बहुत बढ़िया आर्यन राज ने मुझे आंसर दिया है एंड आंसर इज चेक करें सभी बच्चे सही है क्या या कहो तो मैं सोल्व करू

235 थर्टी फाइव भी ठीक मैं यहाँ पे कठिन नंबर लिख सकता हूँ लेकिन कंसेप्ट कठिन नहीं कर सकते हैं नंबर कठिन होने से सवाल कठिन हो रहा है आपके नीट में बस कंसेप्ट वो दे ही नहीं रहे कठिन मेरे भाई तो वह 235 थर्टी फाइव भी ऐसे सवालों करने का एक तरीका अपनाइए एक मेथड अपनाइए क्या मेथड अपनाएं सबसे पहले आप लोग एक्स को जीरो रखो और एक्स को जीरो रखने को फील करो एक्स बी है मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जीरो है मतलब सॉल्यूट नहीं है जब सॉल्यूट नहीं है तो केवल सॉल्वेंट है यानी जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो केवल सॉल्वेंट के कारण आएगा केवल सॉल्वेंट के कारण आएगा तो जैसे मैंने एक्स बी को जीरो रखा ये पूरा फैक्टर हो गया जीरो जो भी पी एस आएगा वो एक्स से बराबर वन से आएगा यानी प्योर सॉल्वेंट से आएगा यानी पी ए नॉट की वैल्यू कितनी आ चुकी है टू थर्टी फाइव और एक बार आप एक्स बी को कर दो वन एक्स बी वन कहने का मतलब क्या है कि उसमें XB one, मतलब वही तो मेरे प्यारे बच्चों पीबी नॉट कहलाएगा एक्सबी को वन रखिए तो टू थर्टी फाइव माइनस वन थर्टी फाइव इट कम्स आउट हंड्रेड यानी कि पीबी नॉट की वैल्यू कितनी है, 100, देख लेना, mmhg है कि टॉर है कि क्या है वो यूनिट ऑप्शन से आपको चेक कर आई होप ये सवाल का प्रोफाइल आप समझ पाए हैं यस नो अगर समझ पाए हैं तो आइए चलते प्यारे बच्चों के सवाल की और आप सबको करना है आप सबको करना है बेहतरीन सवाल देखते हैं ऑनलाइन में सबसे पहले कौन आंसर देता है ठीक है तो अगला सवाल है रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी सबसे पहले वैल्यूज को ढंग से लिखो बच्चों कुछ नहीं है सवाल में वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट मतलब पीए नॉट पीबी नॉट उन्होंने हमें दिया है ठीक है और रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी अच्छा उसको लिखना चाहिए था क्योंकि मोल फ्रैक्शन वेपर फेस पूछा है तो यहां लिखना चाहिए था रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेस है ना इज वन इज टू यानी एन ए अपॉन एन बी कितना है वन इज टू जल्दी से कर डालिए मोल का रेशियो हमें पता है मोल का रेशियो पता है और वेपर प्रेशर का रेशियो भी सवाल में दे रखा है और हमसे पूछा है फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज हमसे ए का मोल फ्रैक्शन पूछा है वेपर फेज में राइट वेपर फेज में मतलब 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 हमसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों बता दोगे क्या उसने हमसे क्या पूछा है जल्दी बोलेंगे सर उसने हमसे पूछा है वाई ए कर लोगे क्या आंसर किसी बच्चे का अभी तक नहीं आया अटेम्प्ट करिए आंसर दीजिए जल्दी से सवाल करोगे बच्चों तो ही मजा आएगा सवाल ही है जो हमें सिखाते हैं थोड़ी तो महज पहुंचने का रास्ता बताते हैं सवालों तक एक बच्चा है ग्रेटेस्ट उसने आंसर लिखा है जीरो पॉइंट टू फिजा ने आंसर लिखा है वन बाई फाइव मिमिक्री स्पॉट ने आंसर लिखा है वन बाई थ्री आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों और इस सवाल को करते समय बस एक चीज आपको समझना है ये जो रेशियो है उसे मान लो ना आज पीए नॉट की वैल्यू कितनी मान लो मान लीजिए और पीबी नॉट टू मान लीजिए क्या जा रहा है 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 भाई आज रेशियो रेशियो तो तो मैं नॉट को मान मान चलो ही मानना तो और लो है ना तो बाद में तो जैसा होगा हो जाएगा सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा उसने हमसे पूछा था वाईए तो वाई ये लिखा मैंने पी ए अपॉन पी एस सिंपली मैंने वैल्यू को पुट किया से भी निकालना पड़ेगा मोल कितना दे रखा है

राइट right? तो ये चलते हैं 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 नेक्स्ट पॉइंट की की ओर ओर बच्चों अब हम इस चैप्टर के के सबसे अहम पहलू बढ़ रहे हैं। लेकिन आओ एक मिनट रुक के देखते हैं हमने क्या कहा है, है पूरी कहानी, कहानी को समेटने वाले अगर कोई सोल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट होगा उसमें सोलवेंट होगा कितना सोल्यूट होगा कितना सोलवेंट होगा यही बताने का नाम कंसल्टेशन होगा कंसंट्रेशन बताने की बहुत सारी यूनिट है हमने सभी यूनिट्स में रिलेशन देखा आज इस वीडियो में राइट

फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें भी कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं है, है, बाकी सब दुनिया भर की जो प्रॉपर्टी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है वॉट डू यू मीन बाई क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी तो अब हम सोल्यूशन चैप्टर में केवल केवल कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आइए समझते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है

कि आपने सॉल्यूट क्या मिलाया है उन्हें फर्क इससे पड़ रहा है कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिलाया है जब इसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं तो कुछ ऐसे कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट बट डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस समय और सरल भाषा में कहता हूं इमेजिन करते हैं हम सबके सामने तीन सोल्यूशन और ये तीन के तीनों सॉल्यूशन प्यारे बच्चों सॉल्वेंट भरा है और सॉल्वेंट यहां पे भी पानी है यहां पे भी पानी है यहां पे भी पानी है जैसा मैं कहता हूं जाने अनजाने में हमारा जो सिलेबस है उसमें सॉल्वेंट हमेशा कौन है पानी लेकिन सॉल्वेंट हमेशा पानी कोई जरूरी नहीं है लेकिन अपन सॉल्वेंट पानी मान के चल रहे हैं अब ये सॉल्वेंट मतलब प्योर पानी है इस पानी का अपना

Let's imagine, पीले मिलाए इसको समझ लिया बच्चों तो मजा आ जाएगा ठीक है।, है? है? है एक दो तीन चार पांच और यहां कितने सॉल्यूट है लेट्स इमेजिन छह अगर मैं इन सॉल्यूट पार्टिकल को मिलाऊंगा तो अब इस सॉल्यूशन की अपनी एक नई प्रॉपर्टी है मगर ऐसी प्रॉपर्टीज जिसे फर्क इससे नहीं पड़ता क्या मिलाया छोटे छोटे पार्टिकल मिलाए कि बड़े बड़े पार्टिकल मिलाए कि कलर अलग है कि उनकी प्रॉपर्टीज अलग है मैटर मैटर कितने में कितना मिलाया अगर सॉल्वेंट सेम है अगर सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है और मिलाए गए पार्टिकल का नंबर भी सेम है तो वो जो भी प्रॉपर्टीज है वो भी तीनों का सेम होने वाली है लेट्स इमेजिन एक ऐसी प्रॉपर्टी है लेट्स इमेजिन उसका नाम है फलाना मान लो कलर समझ में आता है साइज समझ में आता है एक नई प्रॉपर्टी है फलाना अरे मान लीजिए आज अगर मैं इन तीनों सिचुएशन में पार्टिकल की संख्या कर दू सेम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां भी कर देता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहां भी कर देता हूं सिक्स मतलब मैंने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया मिलाया मैंने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम रखे सेम रखे

अच्छा दुनिया में ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी होती है जिन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या मिला रहे हो चीनी मिला रहे हो कि यूरिया मिला रहे हो उन्हें इससे मतलब नहीं है अगर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल है तो प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी द द सेम क्वेश्चन इज सर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? ऐसी कितनी होती है? होती प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है लेकिन हम हमारे सिलेबस में जब क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो हम टोटल कितनी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं आता हूं उसके पहले वो जो लाइन समझा रहा था उसे एक बार और क्लियर कर ले मैंने कहा था क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज इससे मतलब है आपने कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मिलाए हैं द डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अक्सर बच्चे यहां गलती करते हैं बच्चों से पूछा जाता है प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द सोल्युड पार्टिकल नंबर कहते हैं हाँ नहीं डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूड पार्टिकल इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यु पार्टिकल यानी मेरी भाषा में कितने में कितना मिलाया तो अगर दुनिया की कोई भी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज़ ये हमें साबित करना है तो हम ये साबित कर देंगे कि वो सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है कोई भी प्रॉपर्टीज आप सोच लो मन में जो भी प्रॉपर्टीज़ हो अगर वो इस पर डिपेंड करेगा तो प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी कोई नई चीज नहीं है कोई तूफानी नहीं है बस नंबर पर डिपेंड कर रहा है रिलेटिव नंबर तो अगर वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है अगर वो नंबर पे डिपेंड करता है तो मोल पे डिपेंड करता है और मोल पे डिपेंड करता है तो मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है यानी मैं कह सकता हूं अगर दुनिया की कोई भी प्रॉपर्टीज क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज है हमें यह साबित करना है तो उसे या तो इसके प्रोपोर्शनल होना होगा या तो इसके प्रोपोर्शनल होगा या तो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होना होगा इसके प्रोपोर्शनल अगर कोई प्रॉपर्टी हो जाएगी तो हम कह देंगे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है वैसे तो ये प्रॉपर्टीज न जाने कितनी सारी होती हैं वैसे तो ये प्रॉपर्टीज न जाने कितनी सारी होती हैं लेकिन हम हमारे सिलेबस में केवल चार प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं बच्चों याद रखना मैंने ये नहीं कहा कि केवल चार प्रॉपर्टीज होती हैं हम हमारे सिलेबस में चार प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं क्यों साहब क्योंकि ये जो चार की चारों चारोंगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ये एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है सर का एक एक्सपेरिमेंट जैसे आज इस पानी में एक अनोन सब्सटेंस है वो अनोन सब्सटेंस कौन है मैंने मान लो ढक्कन खोल के इसमें कुछ नया तूफानी मिला दिया अब वो नया तूफानी कौन है ये पता कैसे करे ये पता करने के में चार हैं और वही चार आपके सामने लिखे हैं प्रॉपर्टीज क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जिससे दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन इन

लेकिन हम कितने पढ़ने वाले हैं चार आर एल वी पी ई बी पी डी एफ पी ओ पी सेट कर लो पहले आर एल वी पीबीपी डी एफ पी ओ पी अब इसका मतलब फील करो इसका मतलब यह है कि जब भी कभी किसी सॉल्वेंट में सुनो 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 थोड़ा अपने सामने एक बॉटल रख के फील करना प्लीज जब भी कभी किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाएगा अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपके मन में नहीं आया तो आप मान से उसका जो, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा और कुछ ना कुछ उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा इसे मैं कहता हूं जैसा नाम वैसा काम बच्चों हम क्या पढ़ रहे है? सॉल्यूशन ठीक है उसमें भी क्या पड़े प्रॉपर्टीज उसमें भी कौन सी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें भी कौन सी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी उसमें भी कितनी सीपी पढ़ रहे है? चार चारों सीपी का पहले मतलब तो समझो डन मगर याद रखना ये जो चारों सीपी आपके सामने लिखी है ये तभी वैलिड है जब किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट मिलाया जाएगा यानी इसे मैं ऐसे कहूंगा प्यारे बच्चों मैं आपको जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं या हमारा जो सिलेबस आपको क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहा है वो सोल्यूशन के लिए नहीं पढ़ा रहा है नंबर वन वो एक्वेस सॉल्यूशन के लिए भी नहीं पढ़ा रहा है नंबर टू वो एक्वेस बाइनरी सॉल्यूशन के लिए भी नहीं पढ़ा रहा है नंबर थ्री क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप वो आपको पढ़ा रहा है प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा एक्वेस बाइनरी सॉल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन विच नीचे लिख रहा हूं मैं नॉन वोलेटाइल

और चीनी लो और कोई लिक्विड सॉल्यूट नहीं लेना है Done? पानी लिया लिया और क्या लिया? चीनी तो चीनी को पानी मिलाओ मिला दिया तो बताओ वेपर प्रेशर घटेगा बढ़ेगा अब बच्चा सोचता रहता है को सोच रहो? जैसा वैसा काम। जब मिलाया जाएगा, तो वेपर प्रेशर घट जाएगा बॉलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा और कुछ ना कुछ तो कहानी शुरू करने के पहले बता दूं ये जो हमारा आर एल वीपी है इसमें दो नाम छुपे हैं रिलेटिव इन वेपर प्रेशर और एक दूसरा नाम इसी में छुपा है बोलूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं आप सब जहां बैठे हैं शॉर्ट फॉर्म रिपीट करते रहना वरना मेरी बात समझ में नहीं आएगी अब मैं पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाऊंगा इन्हीं के फॉर्म में बातें करूंगा राइट ये चार के चारों क्योंकि एनसीआर में चारों एक्सपेरिमेंटल मैथड है एलवीपी एक्सपेरिमेंटल मैथड नहीं है मगर यह भी सीपी है याद रखना यानी वैसे टोटल हम कितनी सीपी पढ़ रहे हैं पांच देखा जाए तो मगर हेडिंग कितनी डलती है चार डन आर एल सी पी एलवीपी सीपी है लेकिन एक्सपेरिमेंटल मैथड किसी भी अननोन सॉल्यूट को पता करने का वो आर एल वीपी है एलवीपी नहीं है इसलिए आर एल वी पी ही लिखा जाता है याद रहेगा बच्चे आगे बढ़े क्या चलो कंसेप्ट नंबर वन फर्क इससे नहीं पड़ता हमने क्या मिलाया फर्क इससे पड़ता कितने में कितना मिलाया कंसेप्ट नंबर टू कुल कितने सीपी है चार ये कब वैलिड है जब लिक्विड में आपको सॉलिड सॉलिड मिलाओगे जैसा नाम वैसा काम जैसा नाम वैसा काम जितना नाम उतना ही काम यानी अगर आपसे कहे कोई क्या आरएलवीपी सीपी है आप कहोगे हाँ है लेकिन अगर कोई कहे क्या वेपर प्रेशर सीपी है नहीं है वेपर प्रेशर क्वालिटी प्रॉपर्टीज नहीं है

अब मुझे आप सबका फील चाहिए ये फील कर लिया तो मजा आने वाला है राइट आपके सामने दो सॉल्यूशन है प्लीज आप सबका फील चाहिए कितने सॉल्यूशन है दो ठीक यहां पे भी पानी है यहां पे भी पानी है अब मैंने इन दोनों में मिलाया सॉल्यूट क्या मिलाया सॉल्यूट मिला दो साहब जब दोनों में सॉल्यूट मिलाया ठीक मिला दिया तो इसका वेपर प्रेशर घटेगा इसका वेपर प्रेशर भी घटेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा मतलब समझना लेट्स इमेजिन मैंने सॉल्यूट जो मिलाया उसके सौ मॉलिक्यूल मिलाए और यहां पे भी सॉल्यूट के सौ मॉलिक्यूल मिलाए सौ। पानी सेम है। तो मुझे बताओ दोनों का, अच्छा, प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट लेकिन जब आपने सॉल्यूट मिला दिया तो अब पानी सौ पे बॉइल होगा कि सौ से ज्यादा पे पानी सौ से ज्यादा पे क्यों क्योंकि तो हमें पता है जब किसी लिक्विड सॉल्यूट सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाएगा तो उसका बॉलिंग पॉइंट बर्ड जाएगा वो पानी जो पहले सौ पे उबला करता था 100 पे उबलेगा 100 से ज़्यादा उबलेगा ये मतलब है जैसा नाम वैसा काम में केवल चार सीपी है नहीं हम चार पढ़ रहे हैं क्योंकि चारों एक्सपेरिमेंटल मेथड हैं टू तो कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज दस क्लियर आइए एक एक करके शुरू करते हैं इस पूरी सीपी में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है वो है मुझे में आप सबका ध्यान चाहिए भले आपको कितने अच्छे से आता हो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग है, वो है जरा। करें। थोड़ा एक बार इसे फील कर लो कॉपी में लिख रहे हो ना यार कि आराम से बैठ के सुन रहे हैं हाँ कॉपी में लिखते चलना तो ही आएगा ठीक है चलिए आइए तो प्यारे बच्चों आइए एक एक सीपी को पढ़ते हैं एक एक क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी को फील करते हैं सबसे पहले क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पहले फील करो अपने सामने पानी रखिए लो साहब रख दिया इसमें सॉल्यूट मिलाइए मिला दिया ए नीचे कौन था पानी पानी बोले तो सॉल्वेंट की सॉल्यूट सॉल्वेंट तो नीचे में ए मानू की बी मानू ए क्या नीचे ए भर दू मैं ए भर दिया ऊपर से कौन आ रहा है बी अब ये जो बी है मुझे बताओ ये वोलेटाइल मानू कि नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सर क्योंकि हमारा जो किस्सा है हमारा जो सिलेबस हो केवल नॉन वोलेटाइल में चल रहा है इज द क्लियर बच्चों जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे ठीक है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आते ही क्या इस पानी का जो वेपर प्रेशर पहले था उससे कम होगा जब प्योर पानी था उस समय उसका वेपर प्रेशर था पी नॉट डन और अब आपने मिला दिया सॉल्यूट

नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर ठीक है तो आज इसका वेपर प्रेशर कितना है पीएस बच्चों अभी कुछ देर पहले क्या मैंने आपको वेपर प्रेशर निकालना सिखाया था क्या आप इसका वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं सर वेपर प्रेशर यानी कि पीएस कितना हो जाएगा पी0 एक्स है या ना आया ना अब मुझे बताओ पीएस बड़ा कि पी0 पी0 तो जब आप प्रेशर में से प्रेशर को घटाएंगे तो पी0 जो कि बड़ा है एस जो कि छोटा है प्रेशर में प्रेशर को घटाओगे तो क्या आपको डिफरेंस इन प्रेशर मिल जाएगा मिल जाएगा अब मैं क्या करता हूं वैल्यू को पुट करता हूं तो डेल्टा गौर फरमाइएगा इस पूरे डिस्कशन में आप सबके सामने ये जो डेल्टा पी आया है सबको दिख रहा है क्या इसे ही प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर यानी ऐसे कई बार सवाल आए हैं जब सवाल आपसे सीधे एलवीपी पूछता है बच्चा समझ ही नहीं पाता हमसे क्या पूछ रहा है LVP यानी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है और आप सब के सामने LVP का फॉर्मूला जरा सुनिएगा यहां से पीए नॉट कॉमन ले लो ले लिया वन माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स बी तो ये हो जाएगा into XB पी ए नॉट इन टू एक्स बी बराबर डेल्टा पी यानी हम सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है डेल्टा पी यानी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जरा सुनिएगा क्या, pressure, है, तो वो तब है जब वो मोल फ्रैक्शन है कुछ देर पहले मैंने आपके सामने ही दिखाया था अगर कोई सीपी है तो या तो इसके या तो इसके या तो इनमें से किसी एक के प्रोपोर्शनल होना चाहिए ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया प्यारे बच्चों ये गया मोल फ्रैक्शन के यानी एल भी सीपी है तो वही मैं कह रहा था कि वैसे सीपी तो पांच है

पहला फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन पी नॉट जहां डेल्टा पी है पी 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 आप तो ऐसा भी लिख सकते हैं पी नॉट वहां है नीचे पी एस है और फॉर्मुला बना है इसे हम कहेंगे नंबर टू। का कोई भी सवाल आए तो आप सबके जहन में सबसे पहला फॉर्मला आएगा लेकिन अगर कभी

मैं सवाल पे आता हूं लेकिन उसके पहले एक बार इस पूरे फॉर्मुले को समझते हैं ठीक तो अगर कोई आर एल वीपी आए कोई भी सवाल आए मतलब वेपर प्रेशर घटने का सवाल आए तो आप सबके मन में पहला फॉर्मुला कौन सा आएगा जल्दी बता दो पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट बराबर एक्स बी और अगर कभी वेट या मॉलिकुलर वेट का सवाल आएगा तो फॉर्मला है पीए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू nb upon na क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हो अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई प्लीज सुनना इसे खत्म होने देना बच्चों एक सवाल आया हम सब के एग्जाम में ठीक पहला सवाल तो आप सबसे बन जाएगा ठीक है इफ वी डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन आपसे पूछा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा करके बताओ जल्दी से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी एलवीपी किस पे डिपेंड करेगा तो आप सबको पता है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी एलवीपी फॉर्मूला आया था अभी डेल्टा पी बराबर पी नॉट इंटू एक्स आया ना आपसे पूछ रहा है कि बताओ किस पे डिपेंड करेगा तो लोवरिंग प्रॉपर्टी है होना तो ये चाहिए अब बच्चे मुझसे कहते हैं सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुनिएगा नंबर ऑफ मिनट आपके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है मैंने शायद यहां पर से लिख दिया राइट ये क्या हो जाएगा एक्स बी

अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा एक भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा देखो जरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन कोई मिला कोई मिला तो बताओ हम आंसर दे कि ना दे आंसर दे कि ना दे अब यहीं पे खेल है जो मैं कह रहा हूं सुनिएगा बच्चों हम पढ़ रहे हैं सोल्यूशन yes. हम पढ़ रहे हैं सोल्यूशन की प्रॉपर्टी यस yes. हम पढ़ रहे हैं 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 फिजिकल प्रॉपर्टी 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 यस यस हम हम पढ़ रहे yes. हम पढ़ रहे yes. पढ़ रहे दुनिया की सभी सोल्यूशन की नो no. हम पढ़ रहे हैं ऐसे सोल्यूशन की जो एक्वेस्ट बाइनरी सोल्यूशन है और जिसमें आपने नॉन वोल सोल्यूट मिलाया है और वो डायल्यूट सोल्यूशन है ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी हम जिस सोल्यूशन का सीपी पढ़ रहे हैं वो अपने आप में डाइल्यूट सोल्यूशन है ये हमारे का है, ये हमारा है, ये हमारा है, है। केस क्योंकि हम डाइल्यूट सोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन नाउ लिसन केयरफुली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हुआ जिसमें सॉल्यूट बहुत कम है जिसमें सॉल्यूट बहुत

खेल यहां खत्म नहीं हुआ बच्चों यह सवाल था 2016 का बच्चे बच्चे ने कर लिया खेल कहा मजा आता है आप सबका ध्यान मुझे अगले सवाल में वो करवाना चाहता। और दो दो बार उन्होंने क्या है एट ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजॉल्व इन वन ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर घटने की बात हो रही है मतलब आर का सवाल हो गया तो सवाल पढ़ के आपको पहचानना है किस टॉपिक का सवाल है तो आर का सवाल हो गया उसने कहा एट्टी परसेंट पेपर प्रेशर कहां घटा दिया 80 और आपसे क्या पूछा पूछा मोलर मोलर मास आप मोलर मास आपसे आपसे है आप मोलिकुलर वेट पूछा है राइट ऑनलाइन में कुछ बच्चे कह रहे हैं अप्रोक्स ना बच्चे सुनिएगा पूरी कहानी समझने की कोशिश करिएगा तो ये जो सवाल आया ठीक है उसने हमसे क्या पूछा मोलिकुलर वेट

अगर कभी सवाल परसेंट बोले तो क्या मान लेना हंड्रेड ठीक तो आज क्या सवाल परसेंट बोला है मैंने पी नॉट कितना सौ अस्सी परसेंट है तो पीएस हो जाएगा 80, और पीएस की वैल्यू नीचे मैंने 80 रखी और यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वेट इन ग्राम अपॉन ऑन मॉलिकुलर वेट पता नहीं है ऑक्टेन का उन्होंने वेट हमें वन वन फोर दिया है और मॉलिकुलर वेट भी वन वन फोर दे रखा है ऑक्टेन का तो वन वन फोर अपॉन वन वन फोर आउट हुआ इसको सोल्व किया बच्चों ने तो आया बीस बटे कोई तो कुछ कहते हैं सर आंसर तो 32 नहीं था तो हमने लगभग ले लिया तो अगर लगभग लेंगे तो सर लगभग हम 40 लेंगे सबसे करीब था शायद आप गलत भी नहीं है आपके दिमाग में उसमें यही काम चलेगा वांट टू टीच अब मैं अपने बच्चों हाँ ये सच है आर एल वीपी का कोई भी सवाल आए जो कह रहा हूं बहुत ध्यान सुनिएगा का कोई भी सवाल आए तो सबसे पहले आप सबके जहन में यही फॉर्मूला है लेकिन अगर कभी वेट और मॉलिकुलर वेट पूछा जाए तो फिर ये यह फॉर्मूलाए सबसे पहले यही फॉर्मूला लगा कि आंसर निकाला जाए इससे जो आंसर आएगा हंड्रेड परसेंट एक्ट आएगा लेकिन क्योंकि हमारा जो सिलेबस है हमारा जो सिलेबस है वो डायल्यूट सॉल्यूशन का सिलेबस है वो डायल्यूट सॉल्यूशन का सिलेबस है तो अगर इससे आंसर मैच नहीं करता है आपका जो पहला फॉर्मूला है पीए नॉट माइनस पी एस अपॉन को नॉटलैक्ट कर दूं क्योंकि कौन सा सिलेबस है प्यारे बच्चों हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन तो अब ये जो फॉर्मूला है आप सबके सामने मॉडिफाइड होके बन चुका है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इसल टू एन बी अपॉन एन एज क्लियर क्योंकि आंसर इस फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा तो अब इस सवाल में मैं दूसरे मेथड में जाऊंगा मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं लिखूंगा पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट इज एन बीन आपने आप में लगभग है ये फॉर्मूला अपने आप में मेंॉक्स है मगर क्या करे उसने मजबूर किया है यही करना है एग्जामिनर के मन को भी समझना पड़ सकता है अब मैं इस वैल्यूज को पुट करता हूं जरा सुनिएगा तो 100 माइनस एटी अपॉन हंड्रेड और यहां लिखूंगा एन बी यानी एट अपॉन मॉलिक वेट इंटू वन अब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास मॉलिक वेट एक्जैक्टली कितना आ रहा प्यारे बच्चों चालीस उन्होंने लगभग चुनने को नहीं बोला था उनका सवाल बनाने का तरीका यह था बोलो हाँ या ना अब मुझे बताइए कि प्यारे बच्चों आज हम इससे क्या सीखते हैं इससे सीखते ये है आर का कोई भी सवाल आएगा तो सबसे पहले पहला फॉर्मला ही लगाया जाएगा लेकिन अगर कभी वेट और मॉलिकुलर वेट का सवाल आएगा तो दूसरे फॉर्मले में जाएंगे सबसे पहले आंसर इसी से निकालेंगे लेकिन अगर ऑप्शन मैच नहीं करता तो फिर हम अपने सिलेबस के हिसाब से इसमें लगभग लेंगे और फिर आंसर कैलकुलेट करेंगे आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर इज दस क्लियर इज दस क्लियर ऑनलाइन वालों बता दे दुनिया को समझ में आ गया है तो शानदार तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सीपी ठीक है और सीपी में अभी हमने कौन सा सीपी पढ़ लिया एल बीपी आइए बढ़ते हैं अगले सीपी की ओर अगला सीपी जो हम सबके सामने है, अच्छा एक सवाल और आप सबके लिए है, आजा करते हैं। वेपर प्रेशर दे रखा है सात सौ पचास और हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है और हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है बता दोगे क्या पहले टॉपिक पहचान टॉपिक क्या पहचाने? भी एक ही पढ़ा है पर ऐसा सोचो जब आप आर एलवीपी सब पढ़ लेंगे तो टॉपिक पहचानिए क्या ये वेपर प्रेशर का सवाल है हाँ है 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 का सवाल है? हाँ है। वहां कितने हैं दो बताओ वेट वेट पूछा पूछा है सर नहीं पूछा है नहीं तो बताओ पहला मॉलिक लगाओ कि दूसरा पहला लगाएंगे। क्लियर है? कहीं कोई डाउट ही नहीं है और तो पूछा है अब दिक्कत यह है कि सर हम पीए नॉट तो सवाल में दे ही नहीं रखा है क्या करें हम ये कैसे करें कैसे करें तो बस मैं अभी अगले सीपी में आने ही वाला हूं जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसके पहले एक छोटा सा फैक्ट बता रहा हूं एक फैक्ट बता रहा हूं आपको ये मानना पड़ेगा पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ये फैक्ट बता रहा हूं इसका फील अभी आपको दो मिनट बता रहा हूं जब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ये कहने का मतलब है कि जैसे ही यहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा यहां का जो वेपर प्रेशर होगा वो बाहर के प्रेशर के बराबर होगा यहां का जो वेपर प्रेशर होगा वो बाहर के प्रेशर के बराबर होगा ऐसा हमेशा नहीं होगा ऐसा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे होगा क्योंकि प्रश्न

इज क्लियर तो जब किसी भी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया जाएगा उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा आओ चलते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर आप सबको अटेम्प्ट करना है है बड़ा प्यारा सवाल है। अगला जो सवाल है इसमें उसने आपसे पूछा क्या है बस ये पता करो इसने पूछा क्या है आपसे सर इसने हमसे पूछा मास ऑफ यूरिया हेलो क्या पूछा है मास ऑफ यूरिया चलेगा मतलब अब बताओ सवाल में मास पूछा है ठीक है मगर सवाल में जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है वेपर प्रेशर की है ना ये सवाल आपको करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा तो बताओ टॉपिक कौन सा हुआ आर एल वीपी का हुआ कि ई बी पी का हुआ सर आर एल वीपी का ही तो हुआ कर डालिए जल्दी से फॉर्मूला लगाइए आंसर पाइए मुझे बताइए इसमें आप पहला फॉर्मूला लगाएंगे कि दूसरा फॉर्मूला पहला फॉर्मूला कि दूसरा फॉर्मूला पहला फॉर्मूला कि दूसरा फॉर्मूला बोलो बच्चों फॉर्मूला कौन सा चलेगा पहला कि दूसरा बिल्कुल नीतीश राज सही कह रहे हैं आर एलवीपी फॉर्मूला नंबर पहला कि दूसरा सर हमसे मास पूछा है और मास पूछा है तो दूसरा फॉर्मूला लिखिए दूसरा फॉर्मूला पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पी एस इसको अपॉन एन ए कर लोगे आंसर बताओ बच्चों जल्दी से वेल तो फॉर्मूला लगाइए पीए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस आज पी को को रहने दो और जो पी पी है है उसे मान लीजिए रखिए करिए आंसर 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 आप सब के सामने सबसे पहले दिया साहिल ने क्या कर लोगे सवाल आराम से वीडियो पॉज करके बाद में कर लेना मुझे तो कंसेप्ट आपको याद दिलाना था कैसे सवाल देख के पहचाने कौन सा फॉर्मूला लगाना क्लियर चलिए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे और अगला प्रॉपर्टी हम सबके सामने है जिसका नाम है एलिवेशन इन पॉइंट पहले फील करो सर ये क्या है करोटिव प्रॉपर्टी मतलब मतलब क्या है इसका में मतलब बात जब पानी में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा सर क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा पहला सवाल कितना बढ़ जाएगा दूसरा सवाल इसको ऐसे समझते हैं

और टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है आज बाहर का प्रेशर कितना है 180. मुझे लिक्विड को करना है तो लिक्विड बॉइल तभी होगा जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर होगा और अंदर का वेपर प्रेशर आज वन से कम है तो वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तो जिस टेम्परेचर पे अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर होगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सो दिस इज द उसकाचर वेन वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम बिकम्स इक्वल टू प्रेशर उसे बोलते प्यारे बच्चों हम लोग बॉइलिंग पॉइंट अब सवाल यह है कि साहब ये तो बॉइलिंग पॉइंट है फिर जब हमने सॉल्यूट मिलाया तो बॉलिंग पॉइंट बढ़ क्यों गया क्यों बॉलिंग पॉइंट बढ़ गया राइट right? तो प्यारे बच्चों इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है अगर आप समझना चाहे फील करना चाहे तो ऐसे समझते हैं कि हमारे सामने पहले ये लिक्विड है ठीक है और ये जो लिक्विड है इसका आज टेम्परेचर है पच्चीस डिग्री सेल्सियस और अंदर का वेपर प्रेशर है जीरो पॉइंट फाइव ए मान लो और बाहर का वे प्रेशर है वन एटीएम अब आपने इसमें मिला दिया सॉल्यूट क्या मिला दिया सॉल्यूट तो ये बन गया सॉल्यूशन सॉल्यूशन है और यह प्यारे बच्चों है सॉल्वेंट राइट तो जैसे आपने इसमें सॉल्यूट मिलाया ये क्या बन गया बन गया गया सॉल्यूशन अब ये जो सॉल्यूशन है इसका जो 25 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर होगा वो 0.5 नहीं होगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर घट जाता है अब इसका वेपर प्रेशर हो चुका है पॉइंट इसका वेपर प्रेशर जीरो इसे आप ग्राफ से समझना चाहें तो कुछ है समझिए जो आपके सामने ये ऊपर वाली लाइन है ये किसका ग्राफ है सॉल्वेंट का तो टेम्परेचर है लेट्स इन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना माना मैंने 25 डिग्री सेल्सियस तो 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर कितना है 0.5 ये वाली वैल्यू और अब आपने जब सॉल्यूशन लिया उसी टेम्परेचर पे तो उसका वेपर प्रेशर तो कम होगा ही होगा बिल्कुल होगा अब हमें इसे बॉइल करना है तो बॉइल तो तभी होगा जब इसका वेपर प्रेशर बढ़ के कितना हो जाए वन और इसका वेपर प्रेशर बढ़ के कितना हो जाए वन तो इसका वेपर प्रेशर वन तो तब होता है जब इसका टेम्परेचर सौ होता है लेकिन इसका वेपर प्रेशर अब सौ करने के लिए मतलब वन के बराबर करने के लिए हमें टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा कैसे सुनिएगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता गया और इसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो गया जब टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस लेकिन जब आप इसको बढ़ाओगे राइट जब ये 100 पे पहुंचेगा तो जितना वेपर प्रेशर इसका था इसका तो उससे कम ही होगा ना सिंपल सी बात है आज 25 पे इसका वेपर प्रेशर पॉइंट फोर है तो हंड्रेड पे इसका वेपर प्रेशर कम ही रहेगा हंड्रेड एटीएम हो रहा इसका उबलेगा तभी जब इसका वेपर प्रेशर, वन तो अब इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा जो नया वाला टेम्परेचर है पहले ज्यादा आया मतलब हमने कहा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो चुका है एलिवेट दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पहला सवाल क्या सॉलिड सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है बढ़ता है क्यों बढ़ता है क्योंकि वेपर प्रेशर घटता है बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने का कारण क्या है वेपर प्रेशर एक कंसेप्ट अगला कंसेप्ट अब बताओ पहले यहां कौन था पानी और यहां पे कौन है चीनी पानी मान लो तो जब चीनी पानी को उबालोगे तो उबलेगा चीनी उबलेगा पानी सर उबलता तो पानी है यानी वो पानी जो पहले हंड्रेड पे बॉइल होता था वो पानी अब हंड्रेड बॉइल होने वाला नहीं है सो द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया जाता है तो बॉलिंग पॉइंट बढ़ जाता है बॉलिंग पॉइंट सोल्यूशन का नहीं बॉइलिंग पॉइंट सोलवेंट का बढ़ता है क्योंकि उबलता तो सोलवेंट ही है जो उबल रहा उसी का बॉलिंग पॉइंट बढ़ रहा और ये जो आपके सामने डिफरेंस है इसे कहा गया एलिवेशन इन पॉइंट जिसे हम डेल्टा कहते हैं और डेल्टा टीबी मतलब नया वाला बॉलिंग पॉइंट माइनस पुराना वाला बच्चों जब एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है तो इसका जो फॉर्मुला हम सबके सामने आता है वो फॉर्मूला आता है डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी आप सबको फॉर्मुला याद आ गया Kb M. और ये जो आप सबके सामने है, प्यारे बच्चों ये है हमारा इस का दूसरा फॉर्मुला जिससे हम कैलकुलेट करेंगे right? तो मोलैलिटी तो क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा मतलब ये भी एक क्वालिगे प्रॉपर्टी है और कितना है इसका निकालने का तरीका है के बी इन टू एम एम बोले तो मोलालिटी एम बोले तो मोलैलिटी

तो डेल्टा अपॉन वेट डेल्टाइन से के सेबी निकाला जाता है ये जो के भी है याद रखना केवल 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 सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है सॉल्यूट के बदलने से केबी नहीं बदलता है सॉल्यूट के बदलने से केबी नहीं बदलता है सॉल्यूट के बदलने से केबी नहीं, के के नहीं बदलता है चलेगा प्यारे बच्चों आपको एक फैक्ट बता रहा हूं जब हम पानी का इस मेथड से केबी निकालते हैं तो पानी का केबी आता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल यहां तक बच्चों को याद होता है बच्चों को याद होता है आरएलवीपी के ये फार्मूले ईबीपी का एक फॉर्मूला डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू एम अब यहां से न्यूमेरिकल करने की सोच क्या होनी चाहिए मैं उस पे आने वाला फार्मूला आपको याद हो गया नंबर 1 पानी का केबी आपको याद होना चाहिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल अब इस केबी को फिल करो राइट अब इस केबी को फिल करो पानी का केबी कितना है प्यारे बच्चों बता पाओगे सर पानी का केबी है 0.52 पॉइंट फाइव टू मोल के आओ थोड़ा फील करते हैं पानी का केबी कितना है 0.52 पर मोल फील करोगे आओ पहले एक केजी पानी लो ले लिया एक के पानी ले रहा रुकना एक के पानी यानी एक लीटर पानी एक के पानी ले लिया एक लीटर मतलब एक के अब एक के पानी में

चाहे एक मोल चीनी मिलाओ चाहे एक मोल यूरिया मिलाओ चाहे एक मोल फलाना मिलाओ चाहे एक मोल ढकाना मिलाओ चाहे एक मोल ढिमकाना मिलाओ बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट फाइव टू से बढ़ेगा वो पानी जो पहले सौ पे उबलता था एक मोल मिलाने के बाद अब सौ पे नहीं उबलेगा उबलेगा हंड्रेड पॉइंट फाइव टू पे लेकिन उबलेगा पानी सोल्यूशन नहीं उबलता उबलता पानी है बॉइलिंग पॉइंट किसका एलिवेट होगा पानी का सॉल्वेंट का अगर आपको समझ में आया हो प्यारे बच्चों तो जरा चैट बॉक्स में हाँ कहना

जैसे बॉलिंग पॉइंट की डेफिनी को कहते हैं। अच्छा, फिर आप ये तो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने का और कोई तरीका नहीं है मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करने का कोई तरीका नहीं मैं ये कह रहा हूं कि हम आज इस चैप्टर में हर चीज को मात्र एक ही तरीके से समझ रहे हैं एक ही कंसेप्ट समझ रहेप्ट है प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर का

वेपर प्रेशर घटाना पड़ेगा इसे ही कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा इसे फील करना चाहते हैं डिटेल में तो बहुत आ, समय लगेगा क्योंकि ये वन वीडियो है इसे आप एज अ फैक्ट याद रखो ऐसे दिमाग में फिट करो कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा इसे फील करने का एक दूसरा तरीका बताता हूं जो यहां पर इमेजिन करते हैं ये पानी है और ये फ्रीज हो रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट आज प्यारे बच्चों जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है ठीक है साहब और अब आपने इसमें मिला दिया सॉलिड सोल्यूट क्या मिला दिया सॉलिड सोल्यूट तो जैसे सॉलिड सोल्यूट मिलाया अब पानी के बीच में वो सॉलिड सोल्यूट आ चुके तो फ्रीज होने के लिए मॉलिक्यूल को पास पास आने के लिए जितने मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती थी अब उतने टेम्परेचर पे काम होने वाला नहीं है आपको टेम्परेचर और घटाना पड़ेगा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा द कंसेप्ट इज जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट घटता है और वो जो फ्रीजिंग पॉइंट घटता है जिसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट ये था अब फ्रीजिंग पॉइंट ये है ग्राफ इधर आया यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट गया बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफ उधर गया था अगर आपको याद हो तो बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफ उधर गया था मतलब बॉइलिंग पॉइंट उधर गया है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में वैल्यू इधर आई मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट गया चलेगा अब फ्रीजिंग पॉइंट घट गया समझ में आता है

1 .86. 1 .86 मिलाया जाएगा, तो वेपर प्रेशर घट जाएगा बॉलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा अब सिखा रहा हूं कितना बढ़ेगा कितना घटेगा तो सबसे पहले बॉलिंग पॉइंट में आओ जब एक केजी पानी में एक मोल सॉल्यूट मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कितने से बढ़ेगा 0.52 से बढ़ेगा सर हम ये कैसे जान पाए क्योंकि हम के की वैल्यू को पढ़ पाए पानी का के बी है 0.52 पॉइंट केजी पर मोल इन द सेम वे पानी का के कितना है 1.86 पॉइंट केजी पर मोल इसका मतलब ये हुआ बच्चों अगर एक केजी पानी में सोचो अपने सामने एक के पानी की तस्वीर बनाओ अगर एक के पानी में एक मोल सोल्यूट मिलाओ मिलाओ एक मोल चीनी मिलाओ एक मोल यूरिया मिलाओ एक मोल फलाना ढकाना ढिमकाना तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा घटेगा वो पानी जो पहले जीरो डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता था अब जीरो पे नहीं होगा तो फिर कितने पे होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट चुका है 1.86 से मतलब अब वो फ्रीज होगा माइनस डिग्री सेल्सियस पे इज दस क्लियर इज दस क्लियर फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा अब मैं बताने वाला हूं कितने से घटेगा यानी अगर हम सॉल्यूशन की मोलैलिटी जान जाए तो हम ये बता सकते हैं व्हाट व्हाट विल विल बी बी द द न्यू न्यू फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट एग्री एग्री और और नॉट नॉट बच्चों चलेगा तो हमने कितनी सीपी पढ़ ली तीन सबसे पहली सीपी आर एल वीपी दूसरी सीपी ईबीपी तीसरी सीपी डीएफपी एक सवाल आप सबके सामने है बोर्ड पे सवाल कह रहा है सिक्स ग्राम यूरिया इज इन 100 तो ग्राम वाटर है तो बच्चा शुरू हो जाता है।, कैसे? सर, point, point का सवाल है तो सर सबसे पहले हम ईबीपी वाला कंसेप्ट लगाएंगे सुनो ना डेल्टा टीबी बराबर के बी इन एम करेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो आप कहीं गलत नहीं हो सर सबसे पहले डेल्टा टीबी निकालेंगे पानी का के बी है जीरो पॉइंट फाइव टू मोलिटी निकाल लेंगे

वो है हंड्रेड पॉइंट फाइव टू डिग्री सेल्सियस डन मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ सिंपल वे में सोचने की बच्चों सोच हाँ सही बात है सो ग्राम में 6 ग्राम यूरिया तो एक किलोग्राम मतलब वन थाउजेंड ग्राम पानी में कितने ग्राम यूरिया सिक्सटी ग्राम मैं ये भी तो कह सकता हूं ना बच्चों वन के जी पानी में सिक्सटी ग्राम यूरिया और यूरिया का मॉलिकुलर अपने को याद है कितना है सिक्सटी तो आप सीधे कह सकते हो सर यानी हम ये कह सकते हैं एक के पानी में आपने एक मोल यूरिया मिलाया और अगर एक के पानी में एक मोल यूरिया मिलाया है तो उसका बॉलिंग पॉइंट बढ़ेगा और जो बॉलिंग पॉइंट बढ़ेगा वो 0.52 से बढ़ेगा 0.52 से बढ़ेगा ये बॉलिंग पॉइंट नहीं है ये एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट है जब इसे 100 में ऐड करोगे तब कहीं जाके बॉलिंग पॉइंट मिलेगा तो व्हाट विल बी द बॉलिंग पॉइंट हंड्रेड

ठीक है अब बच्चों एक बात बताओ हमसे उसने बोला है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नए सवाल हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन, में करेंगे. ये है, ये सेशन है जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो अपने को कर पाएं, ऐसा सेशन है ठीक है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन हम लोग करेंगे ही करेंगे प्यारे बच्चों एक बात बताइए क्या हम फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे बिल्कुल निकालेंगे साहब तो कितना मोलल हुआ सॉल्यूशन वन मोलल और वन मोलल है तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा कितने से घटेगा 1.86 से जब 1.86 से घटेगा तो नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा -1.86 बस ये आपको समझना है कहां बढ़ेगा प्लस करें कहां घटेगा माइनस करें इज दिस क्लियर आइए आप सबके सामने अगला सवाल है ये जो सवाल है जल्दी से मुझे आंसर बताइए नीट 2017 का नीट 2017 का ऑफ़ इज़ डबल्ड, वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट के विल बी। उसने कहा कि आपने सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन बदल दी है और अगर सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन बदल दी है सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन बदल दी है तो बताओ के एफ क्या होगा जल्दी से पूरी क्लास बता सकते हैं क्या बता सकते हैं क्या जी हा साहब कंसंट्रेशन बदलने से केबीके एफ बदलता नहीं है कंसंट्रेशन बदलने से केबीके एफ बदलता नहीं है कंसंट्रेशन बदलने से केबीके एफ बदलता नहीं है सो आंसर विल बी अनचेंज इज क्लियर बच्चों आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर आओ थोड़ा रुकते हैं थोड़े रुकते हैं आप सबका ध्यान चाहिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों सॉल्यूशन उसमें भी सॉल्यूशन क्या पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी केवल चार होती है नहीं होती तो बहुत है हम कितने पढ़ रहे हैं चार आर एल ईबीपी भी पढ़ लिया DFP भी पढ़ भी अगली है राइट तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर सिखाना चाहूंगा उसके पहले ऑस्मोसिस सिखाऊंगा ये होता क्या है इसका फील क्या है ठीक इसे ऐसे समझते हैं हम सबके सामने एक छोटा सा सेटअप है ठीक सेटअप आप सब जरा देखिएगा इस सेटअप में एक तरफ लो शुगर कंसंट्रेशन और एक तरफ हाई सुगर कंसंट्रेशन। मतलब इसे ऐसे समझते हैं यहां पे कम चीनी है और यहां पे ज्यादा चीनी एक तरफ कम चीनी है यहां लिख दू मैं कम चीनी कम सॉल्यूट। और यहां पे ज्यादा सॉल्यूट है राइट पूरी क्लास का मुझे ध्यान चाहिए और सभी बच्चे फटाफट जवाब देंगे ठीक एक बात बताओ बच्चों ये भी सोल्यूशन है और यह भी सोल्यूशन है और इन दोनों के बीच में हमने लगा रखी है मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन का नाम है एसपीएम इस मेम्ब्रेन की खासियत है इसमें से केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही क्रॉस कर सकते हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्रॉस करने वाले नहीं है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कभी क्रॉस नहीं करते नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं करेंगे

मगर कुछ भी दुनिया में अपने आप नहीं होता हर किसी को एक ड्राइविंग फोर्स की आवश्यकता पड़ती है बच्चों आज क्या होने वाला है सुनिएगा बच्चों इसका भी वेपर प्रेशर होगा, इसका भी भी वेपर वेपर प्रेशर प्रेशर होगा होगा सहमत हो जिसमें सॉल्यूट है कम मान लो ये प्योर पानी है प्योर पानी का अपना वेपर प्रेशर है ठीक है इसमें सॉल्यूट मिलाओ मिला दिया वेपर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा घटेगा ज्यादा सॉल्यूट मिलाओ ज्यादा घटेगा मतलब अगर सॉल्यूट होगा कम तो वेपर प्रेशर तो घटेगा

सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करने लगते हैं और वो तब तक मूव करते हैं जब तक कि दोनों तरफ लगभग प्रेशर सेम ना हो जाए तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज पीएस उसका फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा है वेपर प्रेशर पीएस का फॉर्मूला पढ़ा है पी नॉट इन एक्स यानी अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या एक्स को बढ़ना पड़ेगा अब बताओ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां से यहां जाए कि यहां से यहां जाए मतलब

लो ट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फ्रॉम ज्यादा पानी साइड टू लो पानी साइड इसे ही कहते हैं ऑस्मोसिस बच्चों एक बात बताओ पूरी क्लास से पूछता क्या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाँ यहां यहां से गए 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 क्यों गे? सब क्योंकि वेपर प्रेशर का डिफरेंस था तो कब तक जाएंगे जब तक वेपर प्रेशर का डिफरेंस खत्म ना हो जाए इधर कितना वेपर प्रेशर है पॉइंट थ्री इधर कितना वेपर प्रेशर है पॉइंट फोर अगर प्यारे बच्चों मैं एक्सटर्नल मीडियम से बाहर से यहां अब कितना हो गया? तो मुझे बताओ क्या दोनों वेपर सेम हो गया, हो गया. तो क्या सॉल्वेंट का जो नेट मूवमेंट था वो रुक गया रुक गया अगर मैं जीरो पॉइंटीएम से ज्यादा लगा दूं, मतलब कर दूं, तो बताओ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के मूवमेंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा कि नहीं होगा बोलो इधर आपने कितना लगाया 0.1 जैसे 0.1 लगाया क्या 0.4 हो गया क्या दोनों तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट नेट स्टॉप हो जाएगा लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा लगाया तो क्या मॉलिक्यूल के मूवमेंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा हेलो सुनिएगा कितना प्रेशर और लगाएं कितना प्रेशर और लगाएं कि ऑस्मोसिस लगभग थम सा जाए उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन हाई सोल्यूशन साइड सो दैट ऑस्मोसिस ऑलमोस्ट स्टॉप उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का डायरेक्शन रिवर्स होगा इसे ही कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस इसे ही कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस आई होप आप इसे समझ पाए चलेगा बच्चों चलेगा ऑनलाइन वालों क्या आप इसे समझ पाए तो आपके सामने मैंने तीन कॉन्सेप्ट रखे नंबर वन

एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था वॉन्ट ऑफ उन्होंने डायल्यूट सोलूशन के लिए एक लॉ दिया अच्छा आगे बढ़ने के पहले एक बड़ा यहां पे होता है बच्चों उन्हें लगता है सर ने कहा के मॉलिक्यूल बस ऐसे ही जाएंगे ऐसा नहीं है सोलवेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट यहां से यहां भी होता है यहां से यहां भी होता है लेकिन जो नेट मूवमेंट है जो नेट मूवमेंट है वो वो सिंगल डायरेक्शन होता है वो सिंगल डायरेक्शन होता है मूवमेंट तो दोनों साइड होता है ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं होता है यहां के मॉलिक्यूल यहां भी जाएंगे यहां के मॉलिक्यूल यहां भी जाएंगे इसे डिफ्यूजन कहते हैं लेकिन जो नेट मूवमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा उसे ऑस्मोसिस कहते हैं राइट तो कहानी ये चल रही थी कि साहब ऑस्मोसिस होता है हर सॉल्यूशन का अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है मतलब कितना प्रेशर उसमें बाहर से और लगाएं कि ऑस्मोसिस ना हो पाए यही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है बट द क्वेश्चन इज ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मेजर करें तो करें कैसे तो एक साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था वोंट हॉफ उन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मैं फिर से अपने वर्ड्स बोल रहा हूं उन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए उन्होंने उन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक लॉ दिया और उस लॉ का नाम था वोंट हॉफ लॉ

कुछ को कहा गया गयाटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है ऑस्मोटिक मतलब प्रेशर, प्रेशर, तो प्रेशर ज्यादा आ गया तो इसे कहा गया हाइपरटोनिक और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम आया उसे कहा गया हाइपोटोनिक ठीक है तो दुनिया में जितने भी सोल्यूशन थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर उन्हें दो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया आइसोटोनिक हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक द क्वेश्चन इज जब कभी सवाल हमें आइसोटोनिक बोलेगा तो हमारे मन में क्या आना चाहिए वो सुनिएगा अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक है यानी कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है डन ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो बच्चा क्या करेगा सीआरटी सीआरटी कर देगा जब तक टेंपरेचर सेम नहीं बोले जब तक टेम्परेचर सेम नहीं बोले तब तक टेम्परेचर कैंसल नहीं करेंगे याद रखिएगा अगर टेम्परेचर सेम है तो ही आर टी कैंसल होगा और तो ही सेम होगा। यहां पे के सवाल बनते हैं कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं क्या उनका कंसंट्रेशन का सेम होना जरूरी है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन का सेम होना जरूरी है और वही कंडीशन है बसरते दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए यानी अगर कोई सोल्यूशन आइसोटोनिक है तो सच में तो उसके लिए सी वन टी वन बराबर सी टू टी टू होना चाहिए मगर अक्सर टेम्परेचर सेम होता है तो हम कहते हैं अगर कंसेंट्रेशन यानी सेम है तो भी दोनों आइसोटोनिक इज इज क्लियर क्लियर बच्चों चलेगा अब अगर हाइपरटोनिक है हाइपोटोनिक है तो कुछ ऐसा होगा आइए देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा आरएलवीपी एल या ना फिर हमने पढ़ा ईबीपी बी या ना फिर हमने पढ़ा डी और अभी हम पढ़ रहे थे ओपी नंबर वन क्या ये चारों सीपी है? है क्या दुनिया में केवल चार सीपी है नहीं आर एल वीपी भी सीपी है डन डन बच्चों चलो सबसे पहले मुझे एलवीपी का फॉर्मूला बता दे एल वीपी यानी डेल्टा पी एलवीपी यानी डेल्टा पी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी नॉट इंटू एक्स बी चलेगा मतलब वेपर प्रेशर कितने से घटा अगर ये निकालना है तो फॉर्मुला आप सबके सामने पी नॉट इंटू एक्स बी R.L.V.P. में कितने फॉर्मले आए थे दो आर एल का दूसरा जो फॉर्मूला था हम सामने, प्यारे बच्चों, वो क्या था कोई बता पाएगा क्या पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पी एस इज्वल टू एनबी अपॉन एन ए फॉर्मूला आया वो क्या था डेल्टा टीबी बराबर के बी इन टू एम dfp में फॉर्मूला आया डेल्टा tf बराबर kf into m m का मतलब है मोलालिटी, और ऑस्मोटिक प्रेशर में फॉर्मूला आया पाई बराबर crt दिस इज क्लियर पानी के लिए kb की वैल्यू याद है 0.52 केल्विन kg पर मोल और पानी के लिए kf की वैल्यू याद है 1.86 केल्विन kg पर मोल इस मोड पे हमें इतनी सारी चीजें बिल्कुल पानी जैसे याद होनी चाहिए चलेगा बच्चों आइए इस पूरे कंसेप्ट को कुछ एक छोटे छोटे सवालों के माध्यम से कर लेते हैं आत्मसात तो पहला सवाल आप सबके सामने है पीवाई का आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव। उसने पूछा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए सेम वेपर प्रेशर सेम फ्रीजिंग पॉइंट सेम बॉइलिंग पॉइंट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर राइट अगला सवाल है आप सबके सामने प्यारे बच्चों जरा ट्राई करिए 0.5 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 20 एम ऑफ सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन सेवन पॉइंट 27 डिग्री सेल्सियस फाइंड मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट सबसे पहले टॉपिक को पहचानिए है कि है कि डीएफपी का उसे पहचानिए ठीक है चलेगा सबसे पहले उसे पहचानिए पहचानिए किस केस का है ऑस्मोटिक प्रेशर का है अब तुरंत मेरे मन में ऑस्मोटिक प्रेशर के कंसेप्ट आ गए पाई बराबर सीआरटी बोलो हाँ या ना चलेगा आज उसने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है उसने आपसे पूछा क्या है मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाले मॉलिक्यूलर वेट भाई सारी वैल्यूज को पुट करिए जो अननोन है उसे कैलकुलेट करिए देखते हैं ऑनलाइन में सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है ऑनलाइन में सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है दे पाएंगे क्या वैल्यूज को पुट करें और सॉल्व करें चेक करें जल्दी से चलिए तो आप सबके सामने मैंने आंसर लिख दिया है हाँ इस पूरी कहानी में आप गड़बड़ कहां करते वो सुनिएगा ये जो आर की वैल्यू है ठीक है आर की जो वैल्यू है उसे समझना पड़ेगा आज आपको जो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा वो किस में दिया है एमएमएच mm, में राइट राइट और आर जब आप कैपिटल आर मतलब सॉल्यूशन कांस्टेंट को लिखेंगे तो सॉल्यूशन कांस्टेंट की आपको कितनी वैल्यू याद है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और आर की दूसरी वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो एट वन लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल तो बच्चों आज क्योंकि हम यहां पे कंसंट्रेशन ले रहे हैं मतलब मोल पर लीटर ले रहे हैं तो मोल पर लीटर है तो आर की वैल्यू भी लीटर एटीएम वाली ही चलेगी डन है आर की वैल्यू भी लीटर एटीएम वाली ही चलेगी अब वैल्यू ये रखोगे मगर इसमें एटीएम उन्होंने जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया किसमें दिया है एमएमएचजी में तो न्यूमेरिकल करते समय वैल्यूज का विशेष ध्यान रखिए अगर एमएमएचजी दिया है उसे हमने एटीएम में कन्वर्ट किया 7.6 760 वैल्यूज को रख के सॉल्व किया कैलकुलेशन है अच्छी खासी आया ग्री सिखाना मुझे था आप सबको आर की वैल्यूज पे ध्यान रखना है क्या यहां पे सबको क्लियर है बच्चों चलिए

क्या मिलाया NaCl अभी तक हम केवल चीनी मिलाते थे अब हमने NaCl मिलाया तो जैसे आपने NaCl मिलाया और आपने इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला तो केमिस्ट्री लैबोरेटरी में आप जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे थे अब एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे थे ऑन पेपर निकाल रहे थे तो जब आपने इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन पेपर निकाला तो प्यारे बच्चों लेट्स इमेजिन वो आया 2 atm कितना आया 2 atm लेकिन जब आपने

तो ना तो उसका डिसोसिएशन हो रहा ना तो उसका एसोसिएशन हो रहा लेकिन आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे आसपास जितने सब्सटेंसेस हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है प्यारे बच्चों या तो वो होंगे इलेक्ट्रोलाइट या तो होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसा नहीं कि आप जितना मिला रहे उतना ही होंगे अंदर जाने के बाद उनका डिसोसिएशन भी होगा लेकिन अभी तक हम डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऐसे किसी भी चीज को नहीं मानते थे हम मानते थे एक मोल मिला रहे तो अंदर एक मोल है

क्योंकि कभी कभी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कभी डिसोसिएट होते हैं कभी एसोसिएट होते हैं और क्योंकि उनका डिसोसिएशन या उनका एसोसिएशन हो सकता है इसीलिए प्यारे बच्चों अब क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम रखा गया एब नॉर्मल प्रॉपर्टी लेकिन करे तो करें क्या अब ऐसे समझते हैं हमारे सामने दो कंसेप्ट है एक जो आप थ्योरी से फॉर्मूले से निकाल रहे हो उसे हम लोग कह रहे हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेट्स इमेजिन वही जो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था एनएसएल वाला उसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाले और उसकी वैल्यू कितनी आई दो लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करने पे पाई कितना आया फोर लोगों ने क्या किया इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाया और उसी रिलेशन का नाम रखा गया प्यारे बच्चों एक ऐसा फैक्टर जो हमेशा हमें दोनों में रिलेशन बना पाए और उसी फैक्टर का नाम रखा गया so कैसे बनाया बच्चा है वो सौ नंबर का पेपर करता है पेपर करता है और उसके नंबर आते हैं पचास कितने आते पचास उसके ऑब्जर्व नंबर कितने है पचास मगर भाई ने अटेंट कितना किया सौ अटेम्प्ट तो सौ है मगर पचास है फिर वो बच्चा बड़ा हुआ अब उसके पेपर दो सौ नंबर के होने लगे और वो दो सौ करके आता था सौ थे चार मतलब सौ थे, होता था। लेकिन जो नंबर थे वो आधे होते थे तो हमने क्या किया उस बच्चे के लिए एक फैक्टर बनाया।, और फैक्टर कैसे बनाया फैक्टर कैसे बनाया एक्सपेरिमेंटल हमने जो पाया और हूं हमने जो सोचा ठीक तो उस बच्चे के लिए हमने एक फैक्टर बनाया और फैक्टर कैसे बनाया हमने जो पाया अपॉन हमने जो सोचा मेरी बात को समझना मतलब उस बच्चे ने कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया सौ उसके नंबर कितने आए पचास तो हमने क्या किया उसके लिए एक फैक्टर बनाया फैक्टर कैसे बनाया पचास बटे सौ पाया अपॉन सोचा तो फिफ्टी अपॉन हंड्रेड कितना आया हा अब वो जितने भी नंबर का पेपर करता था हम हाफ से मल्टीप्लाई करते थे और हमें उसके एक्चुअल नंबर मिल जाते थे सेम लोगों ने लगाया उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंटल है और ये जो थेटिकल है इन दोनों का रेशियो निकालिए और जो दोनों का रेशियो आया उसे बोला गया आई इसीलिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो कि एक ऐसा नंबर है जो दोनों में रिलेशन बताएगा साहब किस में रिलेशन बताएगा कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व यानी एक्सपेरिमेंटल यानी पाया इसे मैं कह देता हूं पाया इसे मैं कह देता हूं सोचा तो पाया अपॉन सोचा इसका जो रेशियो है इसे ही कहा गया आई, इसे ही ही कहा कहा गया गया आई मेरे प्यारे बच्चों अब ये जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है ये एक ऐसा नंबर बना जिसने हमें ऑब्जर्ड और कैलकुलेटेड के बीच में रिलेशन बताया तो मैं सिंप्लीफाइड वे में कुछ ऐसे कह देता हूं जब भी आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालना हो तो एक दिमाग में कंसेप्ट सेट कर लो आई बराबर ओ बाई सी ओ बोले तो ऑब्जर्व सी बोले तो कैलकुलेटेड ओ बोले तो ऑब्जर्वड सी बोले तो कैलकुलेटेड चलेगा चलेगा आई बराबर ओ बाई सी मतलब अब वॉन्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आ चुका है ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड तो अगर कभी भी आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालना है बड़ा आसान है मैंने कहा इस सॉल्यूशन का ऑब्जर्व वैल्यू है सौ और कैलकुलेटेड वैल्यू है पचास तो आपने कुछ नहीं करना सौ बटे पचास और कैलकुलेटेड हमने जो सोचा दोनों के बीच में रिलेशन बनाया मतलब आज हमारे कंसेप्ट ऐसे हैं प्यारे बच्चों हमारे थ्योरी ऐसी है कि अब हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो ऑन पेपर निकालेंगे दोनों सेम आने वाला है जस्ट विद द हेल्प ऑफ आई ठीक तो आज क्या हुआ हमारे सामने कुल कितने सीपी हुआ करते थे चार एक बार सभी बच्चे बोलेंगे पहली सीपी का नाम आर दूसरी का नाम ईबीपी, तीसरी का नाम डीएफपी और चौथी का नाम ओपी क्या आप सब शॉर्ट फॉर्म बोल पा रहे हैं बोलो 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 आरएलवीपी का फॉर्मूला बोलो क्या था कोई भी सवाल आएगा पहला फॉर्मूला तो पहला फॉर्मूला क्या था डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट बराबर एक्स बीबीपी का फॉर्मूला क्या था डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम डी एफ पी का फॉर्मुला क्या था डेल्टा टी एफ बराबर था पाई बराबर सी बोलो या ना ये ये जो आपके सामने हैं थ्योरेटिकल है अभी तक आप ऐसा नहीं सोचते थे कि डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा दे आर जस्ट अ थ्योरी लेकिन अब हमें पता है कि दुनिया में कोई ऐसी भी चीज है जब डिसोसिएशन होगा एसोसिएशन होगा और रिलेशन बताने के लिए एक फैक्टर बनाया जिसने क्या नाम रखा आई चलेगा तो प्यारे बच्चों अब इस आई से हम कैसे रिलेट कर रहे हैं वो सुनना समझना थोड़ा सा मैं ऐसे कह सकता हूं आई इज इक्वल टू ओसीपी अपॉन सीसीपी राइट तो फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं ना ओसीपी बराबर आई सीसीपी मतलब अगर हमें ऑब्जर्व वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना जो कैलकुलेटेड वैल्यू उसको किससे गुणा कर दूं आई से ये जो आपके सामने है ये कैलकुलेटेड फॉर्मूला ही तो है इसे किससे गुणा कर दू आई से सर जैसे ही इसे आई से गुणा करोगे आप सबके सामने एक नया फॉर्मूला आ चुका है प्यारे बच्चों और ये जो नया फॉर्मूला है इसे हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल का फॉर्मूला चलेगा हमारे नीट में ए के बहुत सारे सवाल आए हैं और शायद अक्सर अब ए के ही सवालों पर ही उनका फोकस है अभी तक आपने चार सीपी के फॉर्मूले पढ़े थे उन चारों सीपी में एक छोटा सा आप सबने एडिशन किया और वो क्या है आई क्वेश्चन इज सर हम आई निकाले कैसे मतलब जैसे बोले आर एल आपको फॉर्मला याद आना चाहिए आई वाला जैसे बोले ईबीपी आपको फॉर्मला याद आना चाहिए आई वाला पहले फॉर्मला क्या था डेल्टा टीबी याद होगा डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम इज दस क्लियर इज दस क्लियर बच्चों अब इन फॉर्मुलेस को हम कैसे यूज करते बताता हूं लेकिन खेल क्या है सर जब तक आई नहीं निकालेंगे तब तक हम कैसे फॉर्मुला लगाएंगे बात सही बात है तो आई कैसे निकाले समझना तीन सिचुएशन होने वाली है या तो होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट और या तो होगा इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका ना तो डिसोसिएशन हुआ है और ना ही एसोसिएशन हुआ है ठीक है और इलेक्ट्रोलाइट में अब दो सिचुएशन होगी या तो होगा डिसोसिएशन या तो होगा एसोसिएशन प्यारे बच्चों छोटा सा चेंज है आ, अपने को क्लास मुझे लगता है अगले पांच मिनट में बंद करनी पड़ेगी आ, थोड़ा डिले हो रहा है और आज एक्चुअली लीव है यहां पे छुट्टी है तो आइए कहानी को समअप करते हैं इसका जो रिमेनिंग सेशन होगा वो मैं एक और सेशन लूंगा कल उसमें अपन इस रिमेनिंग सेशन खत्म करेंगे जल्दी जल्दी खत्म करूंगा वो अच्छा नहीं रहेगा तो एक सेशन और रखेंगे कल और रिमेनिंग सेशन खत्म करेंगे ठीक है ठीक है बच्चों तो आइए कहानी क्या चल रही है इसको समझ लेते हैं कहानी चल रही थी कि अब हमारे सामने वॉन्ट फैक्टर के नए फॉर्म आ चुके हैं सॉरी सीपी के नए फॉर्म आ चुके हैं मगर इसमें सबसे बड़ा खेल किसका है आई का तो आओ मैं आपको आई निकालना सिखाता हूं तो आई निकालने की तीन सिचुएशन होने वाली है नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट उसमें भी दो सिचुएशन है या तो टूटेंगे या तो जुड़ेंगे जैसे ही आई निकालना सीख गए वैसे ही सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो आज इस कहानी को यहीं पर रोकना पड़ेगा बच्चों आई का कैलकुलेशन अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिटेल डिस्कशन मुझे एक सेशन और रखना पड़ेगा जो हम कल रखेंगे कल या संडे को हाँ क्योंकि अभी संडे आ रहा है अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो संडे को भी सेशन रख सकते हैं तो कल या संडे को सेशन रखेंगे ठीक है तो क्या आप सब आएंगे एक और सेशन रखे तो क्या आप सब आएंगे अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हेनरी लॉ तीन चीजें वहां डिस्कस करूंगा अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड हेनरी लॉ ये तीनों टॉपिक नेक्स्ट सेशन में चलेगा चलेगा आज इसे यहीं पे क्लोज करना होगा टाइम हो रहा है इसलिए ऑलराइट तो बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच आप सब आए और आप सब पढ़ते रहिए लगे रहिए मेहनत करते रहिए चीजों को फटाफट फटाफट रिवाइज करिए रिवीजन पे मैक्सिमम काम करते रहिए और सबसे अहम चीज बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं सर ये छूटा है वो बचा है सबसे बड़ी चीज क्या है ना जो सिलेबस आपने अभी तक पढ़ा है उसे बहुत स्ट्रांग रखिए ताकि उसमें से कोई सवाल आए तो आपके गलत नहीं होने चाहिए उसमें रिविजन प्रॉपर तरीके से करते रहिए ठीक है आज इस सेशन को मैं यही क्लोज कर रहा हूं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि कल या संडे को होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा के द्वारा आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा आज के लिए इतना ही ठीक है थैंक्स अलॉड ड्रीम एमबीबीएस बिल्कुल कोशिश करेंगे बच्चे पूरी कोशिश करेंगे ठीक है हाँ जल्द ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेशन अगर रहा तो समय रहा तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे सब कुछ आपके लिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच ठीक है थैंक यू सो मच